गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी मेरा नाम है सी पाहुजा एंड आई एम वायलिजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी एंड आप सब तैयारी कर रहे हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स किसी की भी कर सकते हैं बट मैं जानती हूँ इस समय बहुत सारे बच्चे मोस्टली बच्चे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की तैयारी कर रहे हैं एंड एंड नीट ट्वेंटी हो या फाइव हो सब लिए ऐसे सेशन्स को लाना बहुत जरूरी है जो कि एक क्यूमुलेटिव वे में एक कंसाइज वे में आपको एनसीआर रिप्रेजेंट कर पाए हम चैप्टर वाइज तो कर भी रहे थे करेंगे भी बिल्कुल ऐसे चलता जाएगा बट अल्टीमेटली पेपर चैप्टर में से नहीं आना है अल्टीमेटली पेपर मेरी पूरी बुक में से आना है क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में से आना है तो मैंने एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सेशन आपके लिए अरेंज करे हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें पूरे सारे सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं जैसे कल का सेशन आपने देखा होगा कल हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे डू यू रिमेंबर व्हाट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच बीच में हमारे थ्योरी में सवाल दिए होते हैं कल हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल किए थे आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जितने भी डिसऑर्डर्स हैं चाहे वो ह्यूमन फिजियो हो चाहे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो हो चाहे वो यानी कि क्लास ह्यूमन हेल्थ हो कहीं से भी अगर आपका कोई डिसऑर्डर बनता है और मैं आपको बता दू बेटा दो क्वेश्चन मिनिमम टू क्वेश्चन आपके डिसऑर्डर्स में से आने ही आने हैं तो जब मुझे पक्का है कि इन डिसऑर्डर्स के लिस्ट में से दो क्वेश्चन माने आठ से बारह नंबर का पेपर बनेगा ही बनेगा तो मैं क्यों ना उस बारह नंबर के लिए तैयारी कर लूं तो आज का सेशन आपका डिसऑर्डर्स ऑफ बायोलॉजी पर है जितने भी डिसऑर्डर्स है क्लास इलेवन ट्वेल्थ कल हमने क्या किया था सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसने नहीं अटेंड किए प्लीज जाके अटेंड करो इसी चैनल पर पढ़े हैं और अपनी मेन वाली प्लेलिस्ट में ही पढ़े हैं ठीक है कल हम यानी कि कल की बात करूं टुमारो कल हम करने वाले हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी डेट्स हैं ये तो आपका टेस्ट है ये तो बेटा जी आपका टेस्ट है ये मैं आपका क्लास में कल टेस्ट लेने वाली हूँ बताऊंगी भी लेकिन कल एक तरीके का एक टेस्ट भी होने वाला है ठीक है तो कल का सेशन इसमें रहेगा इससे अगला सेशन बेटा जी हमारा रहेगा सारे डायग्राम्स का तो ये तीन दिन मैंने आपको बोले थे ये दिन दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका एक भी सेशन चाहे आपने पूरी बायो एक बारी करी है दो बारी करी है चार बारी करी करिए दस बरी करी है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कंसाइज वे में जो ऐसे सेशन होते हैं जैसे पूरी एनसीआरटी के डिसऑर्डर उसके फ्लो चार्ट उसके ग्राफ्स उसके इंटेक्स क्वेश्चन ये सब करना बहुत जरूरी है यस मेरे बच्चों यस सब बच्चे रेडी है रेडी है तो फटाफट से बता देना हाँ जी मेरे बच्चों सब बच्चे अगर रेडी हैं तो फटाफट से मुझे सेशन को लाइक करके बता दे अटेंडेंस लग गई ये नीचे वाला कह रहा है लगाता हूँ अभी भाग कर भाग नहीं चला गया मुझे लग रहा है तेरा परसेंट वाला है? थर्टीन परसेंट वाला बच्चा भाग नहीं चला गया <laughs> क्या नोट करना है देखिये नोट करना आपकी इच्छा है वैसे मैंने नोट करने की जगह आपको स्क्रिबल करना सिखाया है मैं तो डेफिनेटली नोट करके समझाऊंगी लिख लिख कर समझाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सीट में हम लिखे ना तब तक भेजे में बच्चों के घुसता नहीं है है ना एक फील सी नहीं आती है तो स्क्रिबल जरूर करिए लिस्ट जरूर बना लीजिए मतलब आप एक ए फोर शीट लीजिए और उसी ए फोर शीट पर जैसे ए फोर शीट है ना जो भी है ये ठीक है ऐसी ए फोर शीट, शीट पर सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए छोटा छोटा लिखना है मेन मेन पॉइंट्स अपने लिखने ठीक है मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं तो ले आए सब लोग पीपीएफ ए फोर शीट एवरी वन सबके पास है बता दो सबके पास है पीपीएफ और ए फोर शीट्स यस yes. 2025 स्टूडेंट्स कैन कैन अटेंड अटेंड ऑफ कोर्स दे क्योंकि मोस्टली जो ज्यादा डिस है वो क्लास इलेवंथ में ही है अगर आप 2025 को अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लास इलेवंथ तो आप कहीं ना कहीं से करके आ ही रहे होंगे तो आपको भी डेफिनेटली स्टार्टिंग वाला पोर्शन बहुत हेल्प करेगा उसके बाद लास्ट में मैंने जो डिसऑर्डर्स रखे हैं वो रखे हैं आपके क्लास ट्वेल्थ के ठीक है पहले इलेवेंथ के हैं उसके बाद ट्वेल्थ के हैं यस ओके है कितने टाइम की क्लास है पहले इनको ये टेंशन है अच्छा तो कितने टाइम की वन पॉइंट टू फाइव टू वन पॉइंट फाइव ज़्यादा घंटे की क्लास नहीं है कितने फाइल्स हैं स्लाइडें गिनने दो मुझे एक मिनट रुको ओहो स्लाइडें तुमने गिन ली अराउंड फिफ्टी तक हमारे पास डिसऑर्डर्स आएंगे फिफ्टी फिफ्टी फाइव तक है मतलब टोटल अगर वन हंड्रेड ट्वेल्व का हाफ वन हंड्रेड ट्वेल्व का हाफ कितना होता है बताना फिफ्टी वन कम है एस सी होगी एस आज नहीं होगी एस का मैंने स्केड्यूल आपका बना लिया है एस uh, सी हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में बेटा जी आपकी एस होगी अराउंड इलेवन ओ क्लॉक में मॉर्निंग में शिफ्ट कर रही हूँ इलेवन टू ट्वेल्व के बीच में एस सी लूंगी ठीक है जी ऑल्टरनेट डेज आपकी एस सी चलेंगी एक दिन सुबह एक दिन शाम को एक दिन सुबह एक दिन शाम को तो मैं स्केड्यूल बना रही हूँ आपका आपको मैं आज शाम को टेलीग्राम पे वो सारा स्केड्यूल रिलीज कर दूंगी ठीक है फिफ्टी होता है ओहो चलो फिफ्टी है मतलब तेरह टोटल फिफ्टी सिक्स डिसऑर्डर फिफ्टी सिक्स डिसऑर्डर में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा फटाफट से तुम्हारी नॉलेज पे तुम्हारी स्पीड पे भी तो डिपेंड करता है सब मेरी स्पीड थोड़ा है तुम्हारी स्पीड पे भी डिपेंड करता है तो तुम्हारी कितनी स्पीड है तो ये मुझे पता चलेगा अभी तो आर यू रेडी एंड शो योर स्पीड टू मी देखिए आपको मुझे आंसर करना है चैट में साथ साथ आपको पूरा पार्टिसिपेट करना है अगर आप पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाएंगे तो हो सकता है हम इसको एक घंटे में ही निपटा दें मेरी तो कोशिश है करेक्ट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लास में जानी चाहिए फिजिक्स क्लास क्यों नहीं होती मैम नहीं पढ़ाती है फिजिक्स लेकिन अनुपम सर पढ़ाते हैं बिल्कुल आप उनकी क्लास लगाया करो सुबह क्लास होती है ठीक है सुबह क्लास होती है अच्छा सुबह फिजिक्स की क्लास ओहो चलो इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं यार इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं हाँ जी इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं ओके okay. जिसका फर्स्ट लाइव है बेटा आई प्रोमिस यू आपको इतना मजा आने वाला है कि आपका ये फर्स्ट आखिरी नहीं होगा जितने बच्चे नए आए हैं वो सब बच्चे मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम मेरे ही नाम से है सीप पाहूजा आपको मैम का नाम पता है ना सारे नए बच्चों दैट इज सीप पाहूजा ठीक है सब्जेक्ट किया अपना बायोलॉजी ठीक है आगे लगा देना ऑफिशियल तीन लाख से अधिक बच्चे हैं उसमें थ्री लाख समथिंग हैं उसमें उसको ज्वाइन कर लीजिएगा सारी रेगुलर पीडीएफ मतलब जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी पीडीएफ भी वहीं पर आएगी रेगुलर सेशन का लिंक भी वहीं आएगा 2025 वाले तो बिल्कुल ज्वाइन करें फोर वाले तो कर ही रहे हैं ओके लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट एससी का स्केड्यूल बेटा वहीं पे रिलीज कर रही हूं आज शाम को रिलीज कर दूंगी टेंशन मत लो मैंने बोल दिया है तो होगी होगी तो होगी इतना आप भरोसा रखिए प्रैक्टिस क्लास आपकी होगी और इस सीबीटीज होंगे कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट एक बच्चे ने मुझे कल याद कराया कमेंट में तुम लोग कमेंट नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा उस बच्चे ने याद कराया कि लास्ट ईयर आपने सीबीटीज सीबीटीज रन किए थे एंड द वन जिसने उसके बायो में इतने नंबर प्रोक्योर करने में मदद की थी तो तुम्हारे भी सीबीटी अब शुरू करने वाली हूं मैं कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट ठीक है जी यस yes. आधे बच्चों को पता ही नहीं एससी क्या एससी इज नॉट शेड्यूल कास्ट हम यहाँ पर एससी मतलब प्रैक्टिस क्लास को, को बोलते हैं स्पेशल क्लास को बोलते हैं प्रैक्टिस क्लास इज अ वेरी स्पेशल क्लास क्योंकि वो वो ऐप पर होती है जिसने नहीं अटेंड की, वो अटेंड की करेगा तो YouTube पे प्रैक्टिस करने से मना कर देगा जैसे हमारे बाकी बच्चे कर दिए हैं बिकॉज दे लव 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 दैट एप्लीकेशन द प्लेटफॉर्म लव द लीडर बोर्ड लव द पोल बेस्ड क्वेश्चन है ना जी चलो स्टार्ट करते हैं बेटा ओके okay, पहला डिसऑर्डर पहला डिसऑर्डर से बेटा जी मैं शुरू कर रही हूँ रेडी है सब बच्चे ओके okay जी कल की क्लास में अटेंडेंस लगा देना मैं पिन कर देती हूँ अभी

एज्मा में आदमी को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है क्या-क्या होती है सारे मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखूंगी आप भी लिखिए क्या होती है बताते जाओ फटाफट से क्या होती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है ठीक है जी और उसकी सांस लेते वक्त आवाज आती है जब वो सांस लेता है तो आवाज आती है जैसे हम सांस लेंगे आवाज नहीं आएगी लेकिन पेशेंट जब सांस लेगा आवाज आएगी इस सांस में सांस लेते हुए जो आवाज आती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं वीजिंग बोलते हैं एज्मा किस वजह से होता है रीजन बताना है डैश ऑफ एंड ब्रोंखाएल्स यस डैश ऑफ ब्रोंखाई एंड ब्रोंक्योल्स किस वजह से होता है एज्मा होता है ड्यू टू इंफ्लामेशन क्या होता है इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंखाई एंड ब्रोंक्योल्स एजमा एक तरीके का एक एलर्जिक डिसऑर्डर है क्या है एलर्जिक डिसऑर्डर है जो लोग इसके लिए सेंसिटिव होंगे उन्हीं को ये एलर्जी होगी अगर एलर्जी डिसऑर्डर है तो इसमें कौन से सेल्स हिस्सा लेते हैं मास्ट सेल हिस्सा लेते हैं ये जो मास्ट सेल है एक केमिकल का कॉम्पोजिशन अमाउंट कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं हिस्टामिन बोलते हैं और यही मेरा हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंफ्लामेशन यानी कि अगर मेरे को एजमा का ट्रीटमेंट करना है आपने देखा होगा जो एजमेटिक पेशेंट्स हैं वो बेटा जी अपने पास एक इनहेलर लेके घूमते हैं उस इनहेलर में क्या चीज प्रस्तुत होती है उस इनहेलर में बेटा जी प्रेजेंट होता है यस yes, एक तो एंटी हिस्टामिन हो सकता है ऑब्वियसली को कॉज करने वाला हिस्टामिन था तो उसको काटने वाला कौन सा होगा एंटी हिस्टामिन होगा और मेरे कौन से भी हो सकते हैं साथ में क्या हो सकते हैं स्टेरॉयड भी हो सकते हैं तो ये सारी जानकारी आपको एजमा के बारे में होनी चाहिए ठीक है एजमा के बारे में होनी चाहिए नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा नंबर टू डिसऑर्डर आता है एम

डैमेज किसको हो रहा है बता दो फटाफट से अपनी नॉलेज प्लीज चीटिंग नहीं करना सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट प्लीज डू नॉट चीट अदरवाइज आपकी कोई टेस्टिंग नहीं हो पाएगी पचास दिन बचे हैं पेपर में ठीक है डेज से भी कम हो गए होंगे मुझे लग रहा है डैमेज 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 टू किसको हो हो रहा है? Walls को damage हो रहा है है की वॉल्स को यहां पर फोटो अगर तुम देखोगे एलवियोलाई की वॉल्स में बेटा जी डैमेज हो रहा है अगर एलवियोलाई की वॉल्स में डैमेज होगा तो भाई सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज कम होगा कि ज्यादा होगा सरफ़ेस एरिया ऑफ एक्सचेंज विल गेट रिड्यूस्ड कम हो जाएगा सांस लेने में दिक्कत आएगी रेस्पिरेटरी पर हम लोग याद करते हैं हमारे इंडिया फेमस, फेमस, भी है इंडिया फेमस हीरो का एंड उस हीरो का नाम है अक्षय जी अक्षय कुमार जी अक्षय कुमार जी ने हमने सिखाया था वो हर बरी पी में जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि भाई फूफू करने से कुछ नहीं होता फूफू करने से सिगरेट पीने से क्या होती है एम होती है है ना हमें किसने सिखाया अक्षय जी ने सिखाया अक्षय जी, जी का बिल्कुल थैंक यू कर दो ठीक है एम आता है तो हम अक्षय कुमार जी को कैसे भूल सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम अगला डिसऑर्डर आता है ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वट इज ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन माने मेरा काम धंधा जो है उसकी वजह से मुझे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जिनका जो ऑक्यूपेशन है वो बेटा जी स्टोन की इंडस्ट्री में है ग्लास की इंडस्ट्री में है, ग्राइंडिंग की इंडस्ट्री में है, जहाँ पर हर समय धूल धक्कड़ डस्ट कुछ घटी टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं ठीक है जी इन केमिकल्स की वजह से जैसे केमिकल्स हो सकते हैं सिलिका केमिकल हो सकता है एसबेस्टोस इन सबकी वजह से अल्टीमेटली इनकी बॉडी में उस केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने से मना करता है कोपअप नहीं कर पाता है अल्टीमेटली बेटा जी हो जाता है इनफ्लामेशन इनको भी क्या हो जाता है सूजन हो जाती है बॉल्स में इंफ्लामेशन एनिस इन्फ्लामेशन की वजह से लंग्स के टिश्यू की, की जगह जम जाते हैं फाइबर्स यानी कि हो जाता है फाइब्रोसिस ठीक है फाइब्रस टिश्यू अब अगर जहां पर एक्सचेंज होना था वहां फाइबर आके बैठ जाएगा तो एक्सचेंज कैसे होगा यहां पर भी क्या एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा ये परमानेंट डैमेज हो जाता है बेटा जी लंग्स के टिश्यू को अगर सिलिका की वजह से हो रहा है उस डिसऑर्डर को अपने लोग बोलते हैं सिलिकोसिस यस एसबेस्टॉस की वजह से हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे तुम ही बता दो ना उसको क्या बोलोगे एसबेस्टॉसिस क्या बोलोगे एसबेस्टॉसिस अब ऐसी जगह जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलना रहा है उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा यस yes. ऐसी जगह जो लोग काम करते हैं उनका प्रिकॉशनरी मेजर होगा कि भाई मास्क पहन के काम करो है ना हम लोग क्या बोलेंगे मास्क पहनिए और उनकी शिफ्ट का समय भी डिक्रीज करेंगे चिमनीज लगाएंगे और वहाँ पर हेल्प करेंगे कि जो स्मोक है और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये किसी तरीके से कम हो पाए किसी तरीके से कम हो पाए चलो डन एक चैप्टर हो गया तीन डिसऑर्डर डन 56 में से तीन गए तुम्हें सारा आता था तो अपने आप को नंबर देना ऑनेस्ट रहना कि तुम्हें हर डिसऑर्डर की हर बात जो जो मेंशन करनी जरूरी है जहां जहां से सवाल आ सकता है क्या वो तुम्हें पता थी या फिर नहीं पता थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी शुरुआत से तुम्हारे स्कूल में लाइन लिखी होती है उस लाइन को कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन सच में बात है मेरे से ऑनेस्ट नहीं रहना है अपने आप से ऑनेस्ट रहना है खुद से ऑनेस्ट रहिए कि मैंने जो एक घंटा यहां बिताया है वेदर इट इज फ्रूटफुल फॉर मी और नॉट क्या मैंने सच में मैम को सुना है या फिर आपस में बतया है आपस में बत्याने के लिए बेटा यूट्यूब uh, से अच्छी एप्स भी आती हैं है ना पता ही होगा तुम्हें यूट्यूब से अच्छी एप्स भी आती हैं तो उन एप्स को आप जाके यूज करें यूट्यूब को ना यूज करें हमारी इस चैट बॉक्स को गंदा ना करें ठीक है जी आ जाओ अगला आता है हाइपरटेंशन बच्चा सोचता है हाइपरटेंशन का मतलब डबल टेंशन ज्यादा टेंशन मैम हमें तो हाइपरटेंशन चल रही है नहीं मेरे बच्चों हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड एक्स ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल ब्लड वेसल की वॉल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट होता है जो ब्लड एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 बाय 80 कितना होता है 120 बाय 80 अगर प्रोलॉन्ग प्रेशर वन ट्वेंटी बाई एटी से ज्यादा है है ना एसपी और डीपी सिस्टोलिक so, प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर लंबे समय तक अगर ये प्रेशर एक अस्सी और एक सौ बीस से ज्यादा है एंड जनरली ये जो नंबर चल रहा है वो वन फोर्टी बाई नाइनटी चल रहा है देन इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं हाई हाई ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर बोलते हैं ये high blood pressure किस किस को इम्पैक्ट करता है ये हाई ब्लड प्रेशर तीन ऑर्गन्स को मेजरली इम्पैक्ट करता है ये तीन ऑर्गन्स कौन से हैं एक तो यार मेरे दिल को इम्पैक्ट करेगा दूसरा बेटा जी मेरे ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा तीसरा ये मेरी किडनीज को भी इम्पैक्ट करेगा हार्ट को कैसे इम्पैक्ट करेगा देखिए अगर ब्लड वेसल में हाई ब्लड प्रेशर होगा तो मेरे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तेज काम करना पड़ेगा तो धीरे धीरे बेटा हार्ट की मसल्स तो वीक होंगी मेरे ब्रेन को कैसे इंपैक्ट होगा ब्रेन की अगर में में यहां की ब्लड ब्लड वेसल में हाई प्रेशर हुआ कुड बी चांस ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक यानी कि हैमरेज हो सकता है ब्लड वेसल फट सकती है सेम वे किडनी भी जो सारा काम करती है जी एफ आर ई एफ आर एन एन एफ पी वहां पर जो होता है वो सब प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस है तो अगर आपने प्रेशर यहाँ पर चेंज किया किडनी की फंक्शनिंग में भी आ जाएगा। उसको भी ज्यादा काम करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा. Right, मेरे बच्चों? तो हाई बीपी हार्ट ब्रेन किडनी याद रहेगा हार्ट ब्रेन किडनी भूलोगे तो नहीं हार्ट ब्रेन किडनी आ जाओ अगला आता है कैड कैड क्या होता है मेरे बच्चों Coronary, artery, disease. मैं रुकूंगी नहीं ना मैं वेट करूंगी आपस में तुम जो करते हो करते रहो जिसने पेज नहीं खोला जिसने लिखना शुरू नहीं किया जिसने ध्यान नहीं दिया उसके बारह नंबर आज चले जाएंगे ठीक है जी आर्टरी डिजीज का दूसरा नाम क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरोसिस क्या बोलते हैं इसको आथिर होता क्या है बेटा यहां पर ये मेरा हृदय है हृदय में ब्लू कलर से बना रही हूँ बना दू चलो बना देती कोई बात नहीं ये मेरा दिल है दिल को सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल कोई, देखो हर ऑर्गन को कोई ना कोई ब्लड वेसल सप्लाई देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड का दिल को सप्लाई देने वाली वेसल होती होती है 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 कौन सी है? तो ये जो है, ये, है. मतलब इसी आर्टरी की है. ये जो बीमारी अगर मेरी इस आर्टरी के अंदर जमावट हो जाए छोला भटूरा पाव भाजी मोमोज आम, और क्या खाते हो नूडल्स पिज्जा इन सबका जमावट हो जाए यानी कि यहाँ पर आ जाए कैल्शियम यहां पर आ जाए फैट यहां पर आ जाए कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीजें बेटा जी अगर जम जाए तो भाई मेरी आर्टरी का जो ल्यूमन है बताओ आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा या वाइड हो जाएगा तो तुम बोलोगे आर्टरी का ल्यूमन तो मेरा नैरो हो जाएगा ल्यूमन अगर मेरा नैरो हुआ तो सप्लाई टू हार्ट मसल तो सप्लाई टू हार्ट मसल क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं हो गया मायोकार्डियल स्कीमिया आपकी मेडिकल की भाषा में इसी के सिवियर कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं मायोकार्डियल स्कीमिया हो गया किसी पार्ट तक ब्लड कम हो गया हार्ट के किसी पार्ट तक ब्लड जो है वो कम पहुंच रहा है अगर ऐसा चलता रहा तो ये पार्ट डेड हो जाएगा डेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनफाक्शन दो वर्ड याद करने मेरे बच्चों एक्स्ट्रा बता रही हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं बट डॉक्टर बनने वाले हो ये दो टर्म्स तो आपको डेफिनेटली याद करनी चाहिए पहला बता रही हूं स्कीमिया दूसरा बता रही हूं इन्फॉक्शन स्कीमिया का सिंपल भाषा मतलब है लेस ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई मेरी कम हो गई है ठीक है जी इन्फॉक्शन का मतलब है डेड हो जाना ठीक है तक तो बात ठीक है छोला भटूरा मोमोज पिज्जा मैगी सब खाओ इसकी तक ठीक है लेकिन अगर ज्यादा बड़े पार्ट पार्ट पे हुआ तो तो वो डेड डेड हो हो जाएगा हो गया तो तुम्हें हार्ट अटैक आएगा अब हार्ट अटैक छोटा बड़ा बड़ा हो। बोलते हैं ना माइनर हार्ट अटैक मेजर हार्ट अटैक तो जो मेजर हार्ट अटैक क्या है कि ज्यादा पार्ट मेरा इनफेक्ट हो गया डेड हो गया उससे पहले बेटा वार्निंग मिली थी किस चीज की स्कीमिया की किसी ने ध्यान नहीं दिया

बेटा जिसको दे बैठे हो ना पचास दिन के लिए ले लो पचास दिन के बाद दे देना तब ठीक रहोगे अभी अगर दिल दे दिया तो सोचोगे कैसे सवाल क्लियर नहीं होंगे तो कम से कम इस लायक बन जाओ कि दिल के रोगों को ठीक कर पाओ तब देना किसी को दिल हां जी तो जहां तुम्हारा दिल है ना वहां पर अगर हार्ट अटैक आए मायोकार्डियल स्कीमिया हो तो उस समय पर आदमी को उस पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन होती है और उस एक्यूट चेस्ट पेन को उस एक्यूट चेस्ट पेन को अपन लोग क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं रीजन वही है रीजन वही है कि भाई जो आर्टरी मेरे हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कर रही थी वहां पर ब्लड वॉज इनसफिश इन ब्लड इनसफिशियंट ब्लड मेरे हार्ट को मिल रहा था यानी कि क्या हो रहा था इस्कीमिया ही तो हो रहा था यही है एंजाइना पेक्टोरिस इस्कीमिया की वजह से जो लेफ्ट साइड पर रेडिएटिंग पेन होता है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस ठीक है जी ब्लड क्यों कम मिल रहा होगा ब्लड तुम्हारी ब्लड वेसल में जमावट है क्यों जमावट है क्यों वहां पे कोलेस्ट्रॉल फैट कैल्शियम ये सब डिपॉजिट है क्योंकि तुम्हारा खान अच्छा नहीं नहीं है है के साथ साथ एक्सरसाइज डाइट में ओबीज होते जा रहे हो ठीक है जी तो ये मेरी बात होगी एंजाइना पेक्टोरिस की चलो जी अगला आता है हार्ट फेलियर देखो हार्ट फेलियर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट तीनों अलग अलग टर्म्स है तीनों के बारे में बताऊंगी हार्ट का फेल होना होता बताओ। तुम सिंपल, कोई नहीं मारने, नहीं मारने, फेल आदमी धर्म क्या, क्या है पढ़ना अगर तुम पढ़ ना पाए तो पेपर में फेल हो जाओगे ठीक है अगर तुमने अपना कर्तव्य जो कि पढ़ने का है नहीं कर पाए तो तुम पेपर में फेल हो जाओगे मेरा कर्तव्य क्या है पढ़ाना अगर पढ़ा नहीं पाई तो मैं अपने कर्तव्य में फेल हो जाऊंगी हार्ट का कर्तव्य क्या है हार्ट का कर्तव्य यानी कि फंक्शन क्या है पंप करना टू पंप ब्लड अगर बेटा जी हार्ट अपना कर्तव्य ना कर पाए तो हार्ट भी फेल हो जाएगा है ना स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज अनएबल अनएबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली अगर अच्छे से इफेक्टिवली अगर मेरा हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप ना कर पाए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर इसी चीज को क्या बोला जा सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इट कैन ऑल्सो बी एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या मतलब है इसका इट इज बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ लंग्स क्योंकि कई बार बेटा जी ये होता है लंग्स में कंजेशन की वजह से सो दिस इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर अगर मेरा हार्ट फेल हो जाए

इस ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा जमावट है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से हुआ स्कीमिया ठीक है अभी सिखाया है है ब्लड सप्लाई जब कम होता है, लेस ब्लड सप्लाई दिख रहा है हाँ जी लेस ब्लड सप्लाई ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाजा बायोलॉजी पे मिलेंगे मायोकार्डियल स्कीमिया हुआ तो मायोकार्डियल इनफॉक्शन हो जाएगा इनफॉक्शन तो सिंपल भाषा में एनसीआरटी क्या लिखती है माई हार्ट मसल्स आर डैमेज ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई ठीक है तो मसल क्या हो जाएंगी हार्ट की डैमेज क्यों क्योंकि ब्लड सप्लाई कम गया है तो बंदे को आता है हार्ट अटैक छोटा मोटा आए माने कम मसल्स डैमेज हुई हैं बड़े लेवल का आ जाए ज्यादा मसल डैमेज हो जाएंगी ज्यादा मसल डैमेज हो गई तो यार कैसे हार्ट काम करेगा है ना फिर तो ऊपर वाला भी बचाने से मना कर देगा कहेगा मेरे से ना हो पाएगा मुझे मत बोलिए मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है कोई बात नहीं हम अभी से प्रिकॉशन लेते हैं ये जो छोला भटूरा मोमोज पिज्जा चौमिन ये सब है ना थोड़ा कम खाएं महीने में एक ही बार खाएं ज्यादा से ज्यादा घर का खाएं दौड़े भागे एक्सरसाइज करें बैडमिंटन खेले आपका हार्ट आपको हमेशा थैंक यू बोलेगा ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी अर्थ्रो ब्लास्टिस फिटालिस अभी डिसऑर्डर की लिस्ट में नहीं है लेकिन ये लेकिन बेटा ये इसी चैप्टर के बीच में आता है ना और बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन जाएगा वॉट इज फिटालिस अरे ये जो प्रॉब्लम है ये जो प्रॉब्लम है इट इज अ केस ऑफ आर एच इनकम्पेटेबिलिटी ये किसका केस है आर एच इनकम्पैटेबिलिटी ठीक है ये तुम तो मेरे साथ साथ समझ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है And जी हैिटी का मतलब है मैचिंग ना हो पाना मान लीजिए एक मम्मी है ठीक है मदर है मदर है मेरी आर एच नेगेटिव और मेरे पास फादर है

जो बच्चे ने मुझे एंटीजन दिया था वो एंटीजन भी मैंने मार दिया ठीक है लेकिन बेटा जरूरी थोड़ा खुशियां घर में एक ही बारी आए खुशियां दो बारी भी आ सकती हैं चलिए खुशी बेटा आई दो बारी अब हुआ सेकंड प्रेगनेंसी इसी कपल का चलो मम्मी का वूम दोबारा बना लेते हैं मम्मी का वूम दोबारा बनाया खुशियां दोबारा आई घर में ठीक है मम्मी अभी भी क्या है नेगेटिव है तो आर नेगेटिव है मम्मी यस मेरे बच्चों आर नेगेटिव है मम्मी ठीक है अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में उस प्रेगनेंसी के बाद मम्मी के इम्यून सिस्टम ने बनाया था एंटी आर एच एंटीबॉडी ये तो सालों साल जिंदा रहता है एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम सालों साल जिंदा रह सकते हैं तो ये जो खुशियां आई मान लो चार साल पांच साल बाद आई लेकिन ये एंटी एंटीआरएच एंटीबॉडी आज भी है चलो जी ठीक है मम्मी के ब्लड के अंदर एंटी आर एच एंटी आज भी मौजूद है चलिए खुशियां तो बना दें फीटस आ गया है मम्मी आज भी क्या है मम्मी आज भी नेगेटिव है और जो मेरा सेकंड फीटस आया वो फिर से कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया मम्मी को क्या पता था यार कि अगला बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव निकलेगा positive आ गया ओके okay. अब होगा क्या आप जानते हैं मदर और चाइल्ड मदर और फीटस के बीच में देयर इज अ बैरियर जिसका नाम है प्लेसेंटा प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती हैं एंड द मेजर एंटीबॉडीज व्हिच क्रॉस थ्रू द प्लेसेंटा दे आर दे आर सोच लिया सोच लिया आईजीजी आईजीजी क्रॉस कर गई अब वो तो क्रॉस करी करी बेटा ये भी क्रॉस कर गई एंटी आर एच एंटीबॉडी भी प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर चली गई यस सेकेंड प्रेगनेंसी में आर एच पॉजिटिव फीटस के पास पिछली प्रेगनेंसी का बना हुआ एंटीबॉडी अंदर घुस गया प्लेसेंटा के द्वारा जब बेटा जी एंटीबॉडी अंदर घुस गया तो भाई एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा बच्चे के जो आरबीसी है उनका लाइसिस चालू हो जाएगा बच्चे को बेटा जी अनिमिया हो जाएगा ठीक है आरबीसी खत्म होने लगेंगे अनिमिया हो गया प्लस बच्चे को साथ में जॉन्डिस हो जाएगा जॉन्डिस हो जाएगा इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस नाम में ही इसका पूरी बात है फिटैलिस माने फिटस को और माने आरबीसी ब्लास्टोसिस

पोस्ट प्रेगनेंसी के तुरंत बाद बेटा जी आपको देना पड़ेगा मम्मी को एक शॉट क्या देना पड़ेगा एक शॉट किसका शॉट देंगे रोगम वैक्सीन का किसका शॉट देंगे रोगम वैक्सीन का ये जो रोगम वैक्सीन है खुद से जाके बच्चे का एंटीबॉडी खत्म करेगा ताकि मम्मी का इम्यून सिस्टम एक्टिव ना हो मम्मी का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी विल बी

फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है कि सेकंड तुम बोलोगे सबसेक्वेंट प्रेगनेंसी सेकंड वाले में प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी यस yes, मेरे बच्चों क्लियर है क्लियर है चलो जी डन है समझ आ गया केस वेरी गुड अगले डिसऑर्डर पे चलते हैं ये ना बच्चे छोड़ देते हैं ओहो आंसर दिख गया है तुम्हे ओहो आंसर दिख गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं यस अगला डिसऑर्डर करते हैं बेटा जी चलते हैं यूरेमिया पे किस पे चलते हैं यूरेमिया यस एवरी वन इज विद मी मजा आ रहा है क्लास लगाने में एक बारी चार्ट सेक्शन में हरा वाला हंस दो यार बच्चे नए वाले बच्चे सोचेंगे ये हरा वाला हंसना क्या होता है इज दिस हरा वाला हंसना हंस के दिखा दो भाई ये दीपांशी ने हंस दिया है अगर जब सबको मजा आ रहा है समझ आ रहा है रिमाइंड हो रहा है रिकॉल हो रहा है पुरानी चीजें जो भूल चुकी थी वो दोबारा माइंड में फिट हो रही हैं, तो एक ग्रीन वाला हंस दो यार ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे हाँ ये बढ़िया चलो येमिया ये क्या होता है यूरेमिया होता है बेटा जी किडनी का खराब होना

चलो यूरेमिया होता है किडनी अगर मेरी खराब हो जाए तो किडनी अपना काम नहीं करेगी किडनी का काम था बॉडी से यूरिया निकालना बॉडी से यूरिया नहीं निकल पाएगा यानी कि देयर इज गोइंग टू बी एक्मुलेशन ऑफ यूरिया इन बॉडी मेरी बॉडी के अंदर यूरिया नामक टॉक्सिक वेस्ट बढ़ जाएगा ब्लड में बढ़ जाएगा जिसकी वजह से या द रीजन इज किडनी फेलियर ठीक है जी अगर मेरा किडनी खराब हो जाए किडनी फेल हो जाए तो मेरे को यूरेमिया हो जाएगा यूरेमिया बहुत खतरनाक है बेटा हो हो गया तो बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाएगा दिस इज माय अगर मान लो मेरे को हो जाता है होना नहीं चाहिए बेटा मैं मान के चलती हूँ एजमशन है मैं ये नहीं कह रही मेरे को हो जाएगा लेकिन अगर मेरे को हो जाता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है भाई मेरी किडनी ने तो जवाब दे दिया क्या करूं फिर क्या करूं फिर डोनर की किडनी लेके आती हूँ मिलेगी नहीं आसानी से तो आप कुछ समय के लिए किस पर डिपेंडेंट हो जाते हो आर्टिफिशियल किडनी पर डिपेंड हो जाते हो एंड दिस आर्टिफिशियल किडनी यस मेरे बच्चों आर्टिफिशियल किडनी इज गोइंग टू बी हेमोडायलिसिस क्या होता है बेटा हेमोडायलिसिस में पर मैंने पूरा सिस्टम बनाया है जस्ट एज एन एग्जाम्पल ये देखिए मान लो ये बंदी है uh, बंदी बोल लो लड़की बोल लो ठीक है सो so इस लड़की की किडनीज किडनी है तो इसको अपनी बॉडी में किडनी तो यूरिया नहीं निकाल रहा किसी तरीके से तो यूरिया निकालना पड़ेगा कैसे निकाल रहे हैं बेटा जी यहां पर इसकी आर्टरी में से ब्लड को अपने ने बाहर निकाला बाहर निकाल इस मशीन में हम यूरिया को था तो बॉडी के अंदर एक एंटी था। उस एंटी एगुलेंट का क्या नाम हैिन लेकिन जब तुम ब्लड को बाहर निकालोगे तो इस हेपरिन को अपने का इफेक्ट उसका खत्म करना है यानी कि इस समय पर हम ब्लड को ट्रीट करेंगे एंटी हैपरिन से

ये डायलाइजिंग फ्लूड है ये जो मैं ग्रीन 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 कलर से बना रही हूं ना दिख रहा है दिस इज माई डायलाइजिंग फ्लुड क्या है ये डायलाइजिंग फ्लूड ये डायलाइजिंग फ्लूड मैंने लैब में बनाया है ये जो डायलाइजिंग फ्लूड है बिल्कुल ब्लड की तरह है एक्सेप्ट वन थिंग एक्सेप्ट डैश बताओ इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है इट्स ऑस्मोलैरिटी बता दो आंसर बताओ िटी इज लाइक ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या नहीं रखा इसमें बच्चों है तो हो क्या रहा है हम पेशेंट का ब्लड इस ऑयल ट्यूब में से भेज रहे हैं बाहर भी बिल्कुल ब्लड जैसा ही कंसेंट्रेशन है लेकिन एक चीज मैंने नहीं रखी है क्या नहीं रखा यूरिया तो यूरिया तो हाई टू लो फ्लो करेगा ना यूरिया तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्लो करेगा ही यानी कि नाउ द यूरिया विल कम आउटसाइड इन द डायलाइजिंग डाय ब्लड में से यूरिया बाहर आ जाएगा यही हम चाहते थे, थे ब्लड में से यूरिया बाहर आया ठीक है अल्टीमेटली अब इस ब्लड को बच्ची में पेशेंट में वापस डाल देंगे ये देखिए ब्लड प्योर हो चुका है क्लीन हो चुका है एंड इसको वापस डाल दिया हमने पेशेंट के अंदर ठीक है जी हां जी ठीक है यस yes, मेरे बच्चों यस ठीक है ठीक है बताओ हम्म हेपरिन डाल के निकाला था ताकि क्वेगुलेट ना करे और फिर इस सिंथेटिक हेपरिन का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए एंटी हेपरिन दे रहे हैं वापस जाते हो यहां से निकाल रहे हैं यहां पर वापस दे रहे हैं यहां पर वापस दे रहे हैं है। ओके जी हैपरिन डालकर भेजेंगे और वापस डालने से पहले एंटी हैपरिन डाल देंगे ठीक है उल्टा लिख दिया था पहले अब सीधा कर दिया यस yes, मेरे बच्चों उल्टा लिख दिया था कोई बात नहीं हैपरिन डाल के भेजा क्योंकि एंटी एंटीकोगुलेंट चाहिए ताकि ब्लड मेरा क्लॉट ना हो जाए और वापस डालने से पहले मैंने एंटी हैपरिन उसके अंदर डाल दिया दिस इज माई आर्टिफिशियल किडनी बट दिस इज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन ये क्या है मेरा टेम्प्रेरी सोल्यूशन है परमानेंट सोल्यूशन क्या है परमानेंट सोल्यूशन आपको क्या लगता है क्या है परमानेंट सोल्यूशन होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन बट उसमें अपने को डोनर का वेट करना पड़ता है तो जब तो जब तक अपने को डोनर नहीं मिलता है तब तक बेटा जी वी हैव टू स्टे ऑन द हेमोडायलिसिस मशीन ओनली दैट इज आर्टिफिशियल किडनी ठीक है आजकल तो लोग बेटा फोन वोन खरीदने के लिए भी किडनी बेच देते हैं है ना किडनी डोनेट कर देते हैं बहुत हो रहा है बेटा आजकल मटेरियलिस्टिक चीज की इतनी वैल्यू है जबकि आप समझ नहीं रहे आपके पास अगर एक भी किडनी फंक्शनल है ना यू शुड बी थैंकफुल और कहा एक फोन जैसी मात्र चीज खरीदने के लिए किडनी बेचने तक की बात आ गई ओहो ओहो चलिए अगले पे आ जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपको बता दिया है यस नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी रीनल कैलक्यूलाय अगला आपका क्या रहेगा रीनल कैलक्यूलाय रीनल कैलक्यूलाई क्या है मेरी किडनी में स्टोन हो जाना जिसमें इतनी तीखी पेन होती है ना कुछ बच्चों ने शायद एक्सपीरियंस भी करी होगी किडनी के अंदर अगर स्टोन हो जाएं, जाए लुक एट दिस ये किडनी है किडनी का सेक्शन लिया लॉन्ग सेक्शन किडनी के अंदर के स्टोन है this is पत्थर. Yes, पत्थर. देखो किडनी के अंदर नहीं तो ठीक है कई बारी बेटा ये पत्थर उठ के यूरेटर में आ जाता है और अगर ये पत्थर उठ के यूरेटर में आ गया और जब यूरिन फ्लो करेगा बेटा नानी दादी सब याद आ जाएंगी ठीक है सो वॉट इज रीनल कैलक्यूलाई स्टोन हो जाए या फिर इनसोलिबल मास हो इनसॉलिबल मास सोलिबलाइज नहीं हो रहा है ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट क्रिस्टेलाइज सॉल्ट इसको अपने लोग क्या बोलते हैं रीनल कैल्क्युलाय बोलते हैं ठीक है जी बेसिकली किडनी स्टोन है बहुत तीखी पेन होती है जिसके लिए यूजली लोग होम्योपैथिक दवाई लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर कम लेवल के हैं और उसे डिजोल्व भी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट जितना मैंने देखा है उतने आ जाते हैं कौन से सोल्ट ऑक्सिलेट्स देखिए वन ऑफ द मेजर कॉज मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता रही हूँ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन इज लेस वॉटर इंटेक इसी बात पर सब बच्चे अपनी बोतल उठाएंगे और पानी पियेंगे पियो बेटा किडनी स्टोंस नहीं होने चाहिए पानी पीते रहना। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है मैम ये रियल स्टोंस होते हैं क्या हाँ बेटा जब सड़क बनती है ना सड़क बनने में जो स्टोंस होते हैं गलती से आदमी उनको खा लेता है वो किडनी में जाके स्टोन की तरह दिखते हैं और वही दर्द करते हैं ये बिल्कुल वही स्टोन है पत्थर जो सड़क पे मिलता है अच्छा हाँ आज तो बहुत बच्चों का रोज़ा भी है मतलब आई रियली हैड सॉफ्ट टू योर डेडिकेशन जो बच्चे रोजा रख के या जिनके परिवार वाले रोज़ा रख के अपने काम पे भी जाते हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स भी हैं बेटा वेन आई यूज टू टीच इन ऑफलाइन तो हमारे जो फिजिक्स वाले सर थे वो भी रोजा रखते थे एंड रोजा रख के वो पूरा दिन पढ़ाते भी थे बिना पानी कंज्यूम किए सो रियली हैफ्ट टू योर डेडिकेशन एंड यू आर डूइंग मतलब एक अलग लेवल का पेशेंस है आपका एंड जिस चीज के लिए आपने जिस पर्पज के लिए रखा है आई रियली विश आपका पर्पज जरूर सॉल्व हो एंड गॉड ग्रांट्स यू ऑफ ग्रेस ठीक है चलो बेटा ये जो पूछ रहा था ना असली पत्थर होता है असली पत्थर नहीं होता यार क्या ये मत कह देना कि मैम मैम ने बोला था पत्थर खाने हैं पत्थर नहीं खाने हैं पत्थर बेटा जी वो खाते हैं जिनकी बॉडी के अंदर गिजर्ड लगा हुआ है किसकी बॉडी के अंदर लगा हुआ है क्रॉप गिजर्ड याद आया किसकी बॉडी के अंदर गिजड़ लगते हैं याद करो वही वही बर्ड्स ठीक है वो लोग असली पत्थर खाते हैं हम लोग नहीं खाते हैं हमारे अंदर ये जो कम पानी की वजह से जो हैं यही पत्थर बन जाते हैं इन्हीं को हमने क्रिस्टलाइजेबल इनसॉल्युबल सॉल्ट बोला है ठीक है जी चलो अगले पे आ जाओ नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ग्लोमो नेट इज आइटिस जी मजा आ रहा है आइटिस क्या होता है इनफ्लामेशन

पीसीटी डीसीटी टी डूपले इसके अंदर बेटा जी मेरा जाता है ग्लोमारूलस। इस हैुलस के अंदर अगर मेरी इनफ्लामेशन हो जाए दिस इज माय अल्टीमेटली क्या नुकसान होगा मैम होने दो इनफ्लामेशन होती है तो होने दो देखिए बेटा अगर मेरी ये ग्लोमारुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी ना इसने मेरे ब्लड को फिल्टर करके आगे पीसीटी में भेजना था रीनल ट्रिब्यूल में भेजना था ये वो नहीं भेज पाएगा नहीं भेज पाया तो बेचारे का क्या हालत होगा अगेन ब्लड विल नॉट बी एबल टू बी फिल्टर प्रॉपरली मेरी बॉडी के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा मुझे यूरेमिया हो जाएगा मुझे इसकी दवाई के लिए एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा ठीक है यस सो दीज आर दिस ऑफ माई हम्म ऑफ माई एक्सटरी सिस्टम कुछ मैंने डिसऑर्डर बेटा जी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके लिए लिखे हैं जैसे कि हिमैट यूरिया क्या होता है अगर मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ जाए कीटोन यूरिया क्या होता है हाई कीटोन बॉडीज आ जाए मेरे यूरिन के अंदर ग्लाइकोस यूरिया क्या होता है ग्लूकोज आ जाए प्रोटीन यूरिया क्या होता है अगर मेरे मेरे यूरिन के अंदर हाई प्रोटीन की वैल्यू आ जाए अगर मेरे को यूरिया है तो ये किसका इंडिकेटर है क्वेश्चन है बेटा पीवाई क्यू ये किसका इंडिकेटर है डायबिटीज डायबिटीज मेलेटस का इंडिकेटर है किसका इंडिकेटर है डायबिटीज मेलेटस का इंडिकेटर है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता ये जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं हर दिन

इसकी पूरी प्ले बेटा जी आपको यहाँ मिल जाएगी हमने पूरी बायोटेक्नोलॉजी कर ली है एप्लीकेशन भी कर ली है और प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिस भी कर लिए हैं हमने बेटा जी इसके साथ साथ पूरी इकोलॉजी भी यहाँ पर डन कर दी है और बायोडाइवर्सिटी इको सिस्टम सब कर चुके हैं जो बच्चे ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है प्लीज जाकर देखें आप नुकसान में हैं वन डे वन चैप्टर चल रहा है अगला चैप्टर ऑलरेडी लॉन्च है होली के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं एवोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सुपर बेस्ट सीरीज है बेटा आप YouTube पे जाकर बस कमेंट्स पढ़िए आपको खुद पता चल जाएगा लिंक ट्री पर जाकर देखिए मेरे आपको खुद पता चल जाएगा कितने इफेक्टिव एनसीआर बेस्ड हमारे लेक्चर्स होते हैं ठीक है जी ये वही सीरीज अपनी चल रही है चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी माइस्थेनिया ग्रेविस माइस्थेनिया ग्रेविस बेटा जी एक ऑटो डिसऑर्डर है क्या है ये ऑटो डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून में हमारी खुद की इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये काम करता है मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये देखो न्यूरॉन है न्यूरॉन में से निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर ये मैंने बना दिया मसल और ये जंक्शन मेरा बन जाएगा एन एम जे क्या है एन एम जे दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ठीक है हो, होता क्या है नॉर्मल केस में क्या होता है

एसीएच के लिए तो नो no प्लेस अगर एसीएच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी ठीक है क्योंकि रिसेप्टर को एसीएच चाहिए था ऑटो एंटीबॉडीज नहीं चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी धीरे धीरे वीक होगी देखो बेटा जिस चीज को यूज नहीं यूज नहीं हो पाता ना वो चीज पड़े पड़े जंग खाती है जैसे तुम्हारा दिमाग मैं हमेशा बोलती हूँ अपने इस दिमाग को मंडी में जाकर बेचोगे बहुत अच्छा रेट मिलेगा सुपर डुपर दामों में मिलेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग फर्स्ट हैंड है यूज नहीं हुआ

ज माई माइस्थेनिया ग्रेवे ओके नेक्स्ट आता है मेरा मास्क्यूलर डिस्ट्रॉफी मास्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ओहो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इस जेनेटिक जेनेटिक्रॉफिन में एक जीन काम नहीं करता है मतलब जीन डज नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोटीन दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ा जीन बताया था ना जेनेटिक्स में डिस्ट्रोफिन जीन देखो इस डिस्ट्रोफिन जीन ने प्रोटीन बनाना था डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनाना था डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर तो ये प्रोटीन बिल्कुल एब्सेंट कर दो बिल्कुल है ही नहीं तो हो जाएगा ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और अगर इसकी मात्रा कम कर दी कि भाई बना लेकिन कम बना तो माइल्डर फॉर्म हो जाएगी जिसको बोलते हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी दैट इज ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड BMD दैट इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता क्या है इसमें डिजेनरेशन होती है मसल की प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ मसल डिजेनरेशन ऑफ मसल यस मेरे बच्चों देखो यहाँ पर इमेज में देखो ये एक बंदे के नॉर्मल बाइसेप है कैसे तगड़े तगड़े बाइसेप है, है ना यहाँ पर ओ, ये चीज देखिए एक मिनट थोड़ी वो बढ़ा लें बढ़ी हुई है ठीक है दिस इज द नॉर्मल बाइसेप जो थोड़े डोले दिख रहे हैं ये बेचारी की मसल थोड़ी वीक होगी हैव यू सीन द डिप्रेशन एक छोटा सा डिप्रेशन आ गया है ना दिस इज वीकनिंग ऑफ मसल डिजनरेशन ऑफ मसल दैट इज एमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़े मेन चीज जो याद रखनी है क्या जेनेटिक है क्या है ऑटोम से सवाल आते हैं यहां से आपके सवाल आते हैं अगला डिसऑर्डर आता है टेटनी अगला डिसऑर्डर मेरे बच्चों क्या आता है टेटनी तो टेटनी क्या है टेटनी होता है मेरी इच्छा के बिना मेरी मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर गई मेरी इच्छा नहीं थी मैंने कौन सा बेटा ऐसे डांस करना था ना ऐसे डांस करना था लेकिन मेरी इच्छा के बिना मेरी मसल डांसिंग मुद्रा में आ गई क्लासिकल डांस की मुद्रा में आ गई ये हंसने वाली बात नहीं है ये बेटा जी एक सीरियस डिसऑर्डर है होता क्या है इसके अंदर रैपिड स्पाजम आ जाते हैं रैपिड स्पाजम जो आपके कंट्रोल में नहीं है यानी कि कुछ वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, है ना क्यों आ रही है क्योंकि बॉडी के अंदर लो कैल्शियम लेवल हो गया है वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर लो कैल्शियम लेवल हो गया है है जब भी बेटा कैल्शियम लो होता है ना तो सोडियम सोडियम का अमाउंट क्या हो हो जाता है ज्यादा ज्यादा गया तो वाइल्ड अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट भाई मैंने नहीं करना था ये हो गया ये अब कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने के लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रैपिड स्पाजम वाइल्ड इनवॉल्ट्री कॉन्ट्रेक्शन ये सब कहलाती है आपकी टेटनी ठीक है लो तो yes, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड वे में सिग्नल जाता है मसल जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट हुई जा रही है अगला आ जाता है ऑर्थराइटिस यस नेक्स्ट वन इज ऑर्थराइटिस आइटिस आ गया आइटिस मैंने क्या सिखाया है आइटिस मैंने आपको सिखाया है इनफ्लामेशन किसका जॉइंट्स के इनफ्लामेशन को बोलते हैं ऑर्थ्राइटिस तीन तरीके का होता है मेरे बच्चों वन टू थ्री फर्स्ट वन इज गाउटी गाउटी सेकंड वन इज रिमेटॉइडिस रिमेटॉइड इसको आर भी बोलते हैं शॉर्ट में रिमेटॉइड आर्थराइटिस थर्ड वन इज ऑस्टियो ऑर्थ्राइटिस मेरे साथ साथ याद करो ऑर्थ्राइटिस गाउटी ऑर्थ्राइटिस बेटा जी क्या होता है आ जाओ गाउटी अह गाउटी ऑर्थराइटिस रुको हाँ जी गाउटी ऑर्थराइटिस क्या होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बताओ किसकी वजह से डैश यस मेरे बच्चों एक्यूमुलेशन ऑफ बताओ डैश तुम बताओगे रिमिटॉइड ऑर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून डिसऑर्डर गाउटी ऑर्थराइटिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी गुड यूरिक एसिड यूरिन नहीं यूरिक एसिड यूरिक एसिड बनता मेटाबॉलिज्म ऑफ

झुक कर चलना है घुटनों में दर्द होना है बैठने में दर्द होना है कूले जाम हो गए मेरा ये हो गया वो हो गया सबके साथ होना है कोई उससे ना बच पाया है ना बच पाएगा बस हाँ आप उसको डिले कर सकते हो कुछ लोगों के साथ जल्दी हो जाएगा कुछ लोगों के साथ डिले मतलब कुछ केसेस में आप डिले भी कर सकते हो अगर आपका लाइफ बहुत अच्छा है ठीक है लाइफ बहुत अच्छा है आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रियोपोरो ऑस्ट्रियो माने ऑस्ट्रियो माने बोन पोरोसिटी बढ़ना बोन की पोरोसिटी बढ़ना बोन किससे बनी हुई है मेरे बच्चों बोन किससे बनी कैल्शियम सॉल्ट से कैल्शियम सॉल्ट से कोलेजन फाइबर से बोन्स में पोरस हो जाना क्या मतलब है बोन का मास डिक्रीज हो जाना डिक्रीज्ड बोन मास अगर डिक्रीज्ड बोन मास है यानी कि बेटा कैल्शियम का जो मात्रा है वो बॉडी में बोन्स में कम हो जा रही है बेसिकली ये एज के साथ होता है एज रिलेटेड है इस केस में क्या होगा बहुत जल्दी तुम्हें फ्रैक्चर हो जाएगा थोड़ा सा तुम बेटा गिरे आपने देखा ही होगा जब बुरा आदमी फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि बेटा उसकी उसकी बोन्स जो है है डेंसिटी कम हो गई कैल्शियम उसमें से घट गया है बेचारे की बोन्स में देख रहे हो नॉर्मल बोन्स कैसी हैं और एक ऑस्ट्रोप्रोसिस वाले पेशेंट की कैसी है बे उनकी डेंसिटी कम हो गई है बीच में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से उसको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है अब यहां पर एक पीवाई क्यू बनता है एक लाइन दी हुई है एनसीआरटी में जो कि आपको ध्यान देनी है लड़कियों से रिलेटेड लाइन है यस yes, मेरे बच्चों लड़कियों से रिलेटेड लाइन है क्या है किसी को पता है yes. क्या है वो लाइन लड़कियों से रिलेटेड लाइन है आएगा भी नहीं अभिषेक आएगा भी नहीं आपको ठीक है आएगा भी नहीं ठीक है कहीं और जाके देखो यहां पे तरीके के बच्चों को आता है ऐसे स्पेशल बच्चों को नहीं कर पाती हूँ बेटा मैं है ना तरीके के बच्चों को आता है एक बार उनको पहाड़ पे चढ़ने दो ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा ओ यस ओके ओके एम आई विजिबल ऑडिबल जी ऑस्टियोपोरोसिस लड़कियों से रिलेटेड है देखिए बेटा जब तक फीमेल आ, का जन्म होता है जन्म के बाद प्यूबर्टी आती है रिप्रोडक्टिव एज चलती है यानी कि बिफोर मेनोपॉज ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ उस पर पीवाई क्यों था बिफोर मेनोपॉज तक बिफोर मेनोपॉज हाँ जी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन काफी रहता है ये जो एस्ट्रोजन है दिस इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच एंटागोनिस्टिक टू पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन पता है ना क्या करता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है और बोन में कम करता है पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीजेस कैल्शियम इन Bone, blood में बढ़ाने के लिए बोन से ले लेता है वो याद करो को। ठीक है जी। लेकिन जब तक एक लड़की का एक फीमेल का वुमेन का नहीं आता ना, तब तक उसकी के अंदर PTH जो है वो inhibited रहता है। वो रहता क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन होता है लेकिन प्रॉब्लम कब आती है प्रॉब्लम कब आती है after menopause. After menopause आप जानते हैं एस्ट्रोजन ड्रास्टिकली डाउन होगा अगर एस्ट्रोजन डाउन है तो नो एंटागनिस्टिक नेचर नो एंटागनिस्टिक इफेक्ट ऑन पीटीएच हमारा जो पीटीएच है वो बेटा जी मतलब रोक नहीं पाएंगे और पीटीएच के मजे मजे पीडीएच कर रहा है बल्ले बल्ले पीटीएच के हो चुकी है बेटा बल्ले बल्ले लिख देते हैं पीटीएच की जब बल्ले बल्ले हो जाएगी तो भाई कैल्शियम बोन का कम होगा ठीक है कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन में डिक्रीज एंड जिससे बोन्स की पोरसिटी जो है वो बढ़ जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस जनरली अचानक से उन फीमेल्स में होता है जिनका मेनोपॉज आ जाता है इसीलिए मेनोपॉज के दौरान एक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है जो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे रखेंगे ताकि आपके बोन की डेंसिटी मेंटेन रहे ठीक है ये बात समझ आ गई सबको ये बात सबको समझ आ गई गाउट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है गाउट क्या होता है गाउट होता है इनफ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू ऑफ यूरिक एसिड क्या ये दोबारा बताने की जरूरत है या ये दोबारा पूछ रहा है हमसे लेकिन हम बताएंगे नहीं इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट रीजन क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड आपने देखा होगा कई बार मम्मी पापा यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं डॉक्टर बोलते बहुत ज्यादा यूरिक एसिड आ गया आपको आपको ना राजमा छोले माँ की दाल खाना बंद है मतलब वो हैवी चीजें हैवी प्रोटीन खाना बंद हो जाता है ताकि यूरिक एसिड कम बने बॉडी में ठीक है सुने कभी हमने नहीं सुना मैम हम नहीं जानते ये सब

डॉफिज होता है ड्यू टू यस मेरे बच्चों हाइपोसिक्रीशन ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहां से आता है बच्चों फ्रॉम एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी कहां से आता है एंटीरियर yes, पिट्यूटरी से, से आता है अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो देयर विल बी शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग ऑफ हाइट एंड लिम्स

एक नॉर्मल आदमी और एक एक्रोमेगेली वाला आदमी एक्रोमेगेली का नाक भी ऐसे फूला हुआ है माथा भी बेटा जी लार्ज है उसके लिप्स भी थोड़े बड़े हुए चिन और भी थोड़ी सी, मतलब एक्स्ट्रा सी हो रही है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच अंतर क्या है आफ्टर एडल्ट साइज इज रीच्ड आफ्टर एडल्ट साइज रीस्ट क्या मतलब है इसका कि आप ऑलरेडी अठारह सत्रह साल के हो चुके हो उसके बाद ग्रोथ हॉर्मोन आएगा तो बेटा फ्रॉम बिगनिंग शुरुआत से ही ज्यादा है तो वो हो जाएगा चाइजेंटिज्म में जो इंक्रीज होगा वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन बॉडी लिम्स एंड हाइट तरीके से होगा बेटा अगर बाजू बढ़ रही है तो लेग्स भी बढ़ रही हैं सब बढ़ रहा है लेम्स एंड हाइट लेकिन एक्रोमेगेली के अंदर गड़बड़ एक्रोमेगेली के अंदर डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज अगर डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ तो भाई किसके जैसे दिखोगे खली जैसे ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा अगर तुम्हें हाइट बड़ी करनी है ना छोटी तो उम्र में ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए 20 साल 21 साल 22 साल 25 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन कुछ ना कर पाएगा क्यों क्योंकि तब तक हमारी जो प्लेट्स हैं, ये अठारह है। है, है, तो है। साल में बंद दरवाजे बंद अगर दरवाजे बंद तो मेरी बाजू मेरी लेग्स नहीं बढ़ पाएंगी तो क्या बढ़ेगा फिर शॉर्ट शॉर्ट क्या है ये चीज बढ़ गई ठुड्डी ठुडी जॉब लोअर जॉ बढ़ जाएगा नाक थोड़ा सा बढ़ गया, माथा बढ़ गया गया माथा पीछे से हम्प निकल आया ये ये सब हो जाएगा ये उंगलियां थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी जैसा आपने खलीजी को देखा है ठीक है जी तो टाइकर में अंतर पता चल गया मेरे बच्चों वेरी गुड नहीं पता चला तो पता ओके वॉट इज डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज दो तरीके की होती है एक पानी वाली और एक और एक शुगर वाली एक पानी वाली बेटा सेशन लाइक क्यों नहीं किया डायबिटीज तो मैं तुम बाद में बताऊंगी पहले बताओ सेशन लाइक क्यों नहीं किया यस एक पानी वाली होती है और एक शुगर वाली होती है एक मिनट यार मैंने तुम्हें सेशन पिन करना मैं भूल गई हूँ एक मिनट रुको मैं अभी सेशन ना पिन करती हूँ हाँ जी ओके कौन सा सेशन पिन करना था एक मिनट रुकिए कल वाला कल तो बेटा महासेशन होने वाला साइंटिस्ट एंड डेट्स वाला है ना पिन करना भूल गई ऑल साइ एक मिनट रुको इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा कंप्यूटर को लेट मी जस्ट पिन ओके ऑल क्या लिखना था ऑल साइंटिस्ट एंड डेट्स वन शॉट कल आपका टेस्ट है मेरे बच्चों पता नहीं तुम टेस्ट के लिए कितना तैयार हो लेकिन टेस्ट तो मैं लूंगी एक मिनट रुको जस्ट अ सेकेंड कोई शेर शायरी नहीं सुना रहा यार आज मैं ही सुना दूं क्या आज आया नहीं यार उसने ना छोड़ दिया आना बेचारा सुधर गया है मुझे लग रहा है और जब से हमने उसको बोला ना कि तुम पेशेंट बन जाओगे और बाकी सब डॉक्टर बन जाएंगे दिल पे ले लिया बेटा उसने है ना दिल पे ले लिया उसने चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा कहाँ गई चैट कहाँ गई ओके okay. यस yes. अच्छा आ गए आ गए एक बच्चा आ गया तो मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पर एक बच्चा आ गया कह रहा है जो सो रहे होंगे नहीं नहीं सॉरी ये बेटा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझको जाग पढ़ना ही होगा वेरी गुड दिस इज अ गुड मोटिवेशन जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझको जाग पढ़ना ही होगा बड़ा सपना तूने देखा है उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात तक खुद से लड़ना ही होगा वेरी गुड अच्छा nice. विनीत कह रहे ये मैंने से सीखा है जब सो रहे होंगे सब तब तुझको रात में जाकर पढ़ना ही होगा बड़ा सपना देखा है तूने तो पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद ही लड़ना होगा बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों बिल्कुल सही बात है एब्सोल्युटली yes, ओके okay. चलो गुड विनीत जी ने बिल्कुल सही बढ़िया बनाया बताया है हमें हाँ जी तो मैंने आपसे पूछा था दो तरीके का डायबिटीज होता है एक होता है पानी वाला और एक होता है शुगर वाला तो ये डायबिटीज इंसिपिडस कौन से वाला है बंदा पानी पी रहा तो माने वाला होगा ना डायबिटीज इंसिपिडस इज बेसिकली ड्यू टू डैश

लेकिन इसकी सिक्रीशन कौन करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी देखिए एडीएच का काम होता है एडीएच का काम होता है डीसीडी में जाकर पानी को दोबारा से बचाना रीअब्जॉर्न ऑफ वाटर लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल नहीं हो पाई वाटर की तो वाटर निकलेगा यूरिन के साथ बेटा जब यूरिन करने जाओगे तो यूरिन कैसा निकलेगा इट विल बी हाइपोटोनिक यूरिन इज दिस राइट यूरिन कैसा रहेगा हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक माने डाइल्यूट यूरिन निकलेगा पानी बहता जा रहा है बहता जा रहा है रोको कैसे रुकेगा एडीएच से रुकेगा सो दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस नेक्स्ट डिसऑर्डर इज सी फॉर क्रेटिनिज्म सी फॉर क्रेटिनिज्म यानी कि सी फॉर चिल्ड्रन अगर बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों के अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए

तो बेटा बच्चा हो सकता है डेफ म्यूट भी पैदा हो कभी बोल ना पाए कभी सुन ना पाए तो कुड देर मल्टीपल थिंग्स और मल्टीपल सिम्टम्स रिलेटेड टू क्रेटेजम इसी वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी का एक प्रेग्नेंट लेडी का मेरे बच्चों लेवल लेवल थायरोक्सिन चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट आता है मिक्सडीमा mixed मिक्सडीमा होता है एडल्ट के अंदर एडल्ट के अंदर अगर हाइपोसिक्रीशन यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन दिस इज योर मिक्स इडीमा

फूल गई हाँ पफी अपेयरेंस फूल जाता है आदमी ठीक है जी और उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों क्योंकि थायरोक्सिन एक कैलोरीजेनिक हार्मोन है मतलब इसका आ, हीट पर भी इंपैक्ट आता है बॉडी में हीट जनरेट करता है अगर हीट जनरेट नहीं हुई तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा एंड बेटा जी अगर फीमेल में हो रहा है जनरली फीमेल्स में होता है इट विल इंपैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो मेंस्ट्रुएशन

शन और डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन की वजह से ही हो रहा है लेकिन ये जो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी है ये क्यों आई ये थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी आई बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडीन इन डाइट नहीं था क्योंकि तुमको पता है आयोडीन प्लस टाइरोसिन मिलकर ही क्या बनाते हैं थायरोक्सिन अगर मेरे पास टाइरोसिन आ भी गया आयोडीन नहीं आया तो नहीं बनेगा आयोडीन कहां से आता है बताओ कहां से लाए आयोडीन मंडी में से कहाँ पे मिल रहा है कौन सी दुकान है आयोडीन की कौन से बाजार में मिलता है आयोडीन यस yes, मेरे बच्चों कौन से बाजार में मिलता है बाजार का नाम बता दो तुम तुमने अगर बाजार का नाम बता दिया तो फोर मार्क्स टू दैट पर्सन हाँ जी कौन से बाजार में मिलता है अच्छा बेटा वैसे तो आयोडीन मिलता था हमारी जमीनों में से हमारी सॉइल में से सॉइल के द्वारा वो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आता था लेकिन अगेन द सॉइल इज गेटिंग पोल्यूटेड हमें नहीं पता हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में क्या है आयोडिन है आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसीलिए डॉक्टर ने डॉक्टर माने डॉक्टर कह रहे गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने किया कि यार अपने लोग ना नमक के अंदर डाल देते हैं और सॉइल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करते हैं यानी कि आयोडाइज सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया है ठीक है आयोडाइज सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया है जनरली ये जो गोइटर था इट वॉज एंडेमिक टू हिली रीजन पहले के टाइम पे ये हिली रीजन में बहुत देखा जाता था है क्यों क्योंकि बेटा आप जानते हो जैसे में ऐसे पहाड़ होते हैं पहाड़ में क्या है ट्री है तो उनके अंदर तो आयोडिन नहीं होगा तो ये जो पफी है, जो गोइटर है ये बेटा जी हिली एरिया में रहते हुए लोगों को पहाड़ी लोगों को बहुत होता था तो इसी वजह से बेटा गवर्नमेंट ने कहा कि सॉल्ट में डालो सॉइल में आए ना आए सॉल्ट में तो है ना चलो ठीक है अब किसी को गोयटर नहीं होगा ठीक है ये इसकी वजह इस, मेजर सिम्टम फॉलोइंग कह रही हूं। स्वेलिंग स्वेलिंग ऑफ योर नेक ठीक है स्वेलिंग ऑफ योर नेक यस मेरे बच्चों चलिए अगला आ जाता है अगला आ जाता है मेरे पास ग्रेव्स डिजीज ग्रेव्स डिजीज क्या है ग्रेव्स डिजीज बेसिकली हाइपर है उल्टा हाइपर है अगर मेरा बढ़ जाएगा high secretion of thyroxine. अगर बेटा जी, का हो हो? गया, में पता क्या होता है? बाहर की तरफ yes, देख रहे हो? बढ़ जाता है ये ऑटोम डिसऑर्डर है ये भी लिख देती हूँ दिस इज एन ऑटोमिन डिसऑर्डर ठीक एंड इसमें होता क्या है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है मिमिक नकल करती हैं किसकी टीएसएच की देखो तुम्हें पता है ना कि बेसिकली आकर स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को को स्टिमुलेट करता है ताकि क्या निकले थाइरोक्सिन ये मेरा पूरा सीरीज है भाई टीएसएच तो आ ही रहा है लेकिन मेरी जो ऑटो एंटीबॉडीज है ये भी इसकी नकल करके थारॉयड ग्लैंड को कह रही है कि तो तू थारॉक्सिन बना मतलब दो जगह से सिग्नल मिल रहा है थारॉइड को टीएसएच से तो मिल ही रहा है और उसके नकल से भी मिल रहा है दोनों नकल वाला और डुप्लीकेट वाला और टीएसएच मिल थायरोक्सिन की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है एंड प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होता है इसमें क्या होता है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल जब आदमी सोता भी है ना बेटा तो आईज खुली दिखती है यस yes. जब आदमी सोता भी है तो आईज खुली दिखती है ठीक है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल वेट भी लॉस हो जाएगा थायरोक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा ना ज्यादा ही मेटाबॉलिज्म चलेगा पतला हो जाएगा आदमी एंड बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी यस yes, मेरे बच्चों मोटा हो जाएगा थोड़ा सा डरावना सोते हुए कुछ लोगों का आपने ऐसा मेरे साथ मुझे थायराइड नहीं था बट ऐसा कई बार ही मेरे साथ भी हॉस्टल में मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती थी कि भाई ये जब सोती भी है ना तो भी इसकी आंखें थोड़ी खुली रहती है अब नहीं होता पता नहीं तब मैंने कभी चेक नहीं कराया क्या था क्या नहीं था एनी वे है एनी वे यस आगे बढ़े यस नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी कुशिंग सिंड्रोम ये मेरे ख्याल से आपकी बुक में नहीं है बट मैं लिख देती हूँ दिस इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स बेटा जी अगर ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो कॉटिसोल बहुत बढ़ जाता है कॉटिसोल जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है हाइपर ग्लैसीमिया हो जाता है हाइपर Hyper... Lycemia हो जाता है ठीक है जी इस केस में क्या क्या होगा ये देखिए अगर ऐसा हो गया तो दिस केस विल लीड टू अ बफेलो काइंड ऑफ सिचुएशन पीछे बेटा पर थोड़ा प्रोट्रूजन आ जाएगा बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे ठीक है जी एक्स्ट्रा हेयर आ जाएंगे और ऊपर के जो बाल हैं ये बहुत पतले हो जाएंगे ठीक है जी यस तो दिस इज कुशिंग सिंड्रोम आगे आ, आ जाए हाँ ये बात जरूर दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में दैट इज डिजीज एडिसंस डिजीज

that is going to be aldosterone aldosterone चलो ये भी बता दो कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से आता है पैसिकुलेटा से आता है रेटिकुलरिस से आता है बताओ यस yes. इसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया वेट लॉस हो जाएगा थोड़ा सा कहां से आता है किस ज़ोना से आता है तीन ज़ोना बताई थी ना एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलोसा पैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस यस yes. रेटिक्लारिस वाले बच्चे खड़े हो जाए और अगले आधे घंटे तक खड़े रहेंगे यस यू विल कीप ऑन स्टैंडिंग 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 वेरी गुड अपने नोट्स ओपन करो उसमें से देखो दैट इज जोना ग्लोबारूलोसा नॉट रेटिकुलर सब सुपर वाले में से आता है याद है ना ऐसे सब सुपर वाला ग्लोमारूलोसा बीच वाला सबसे बड़ा फैसिकुलेटा एंड देन आपका रेटिकुलरिस ये ये कॉटिकॉयड ये सेक्स कॉटिकॉइडिकॉइड लाइन से याद रखना है ओके okay, चलिए आगे आ जाइए अगला आ जाता है डायबिटीज कौन सा आता है था पानी वाली डायबिटीज ये है मेरी शुगर वाली डायबिटीज ये किस वजह से हो रही है इंसुलिन किसकी डेफिशंसी इंसुलिन क्यों इंसुलिन कहां से आता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस आइलेट ऑफ लैंगरहंस एक टिश्यू है पैनक्रियाज के अंदर उसके पास बीटा सेल है बीटा सेल अगर किसी वजह से काम करने से मना कर दें खराब हो जाएं तो क्या हो जाएगा इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन कैसा हार्मोन है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकोज को कम करता है लेकिन अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोस बढ़ जाएगा ग्लूकोस बढ़ने का मतलब है आपको हो जाएगा हाइपर ग्लाइसीमिया क्या हो जाएगा ब्लड की जो शुगर है वो बढ़ जाएगी शुगर बढ़ने से बेटा जी जो क्या कहते हैं प्यास लगना बढ़ जाता है जिसको बोलते है, क्या बोलते हैं हैं पॉलीडिप्सिया पॉलीडिप्सिया क्या थर्स्ट बढ़ जाएगी है ना आपने देखा होगा जो लोग को शुगर होती है उनको प्यास बहुत लगती है फिर बेटा जी बारी बारी यूरिनेशन के लिए भी जाते हैं दैट इज पॉली यूरिया ठीक है, है? भूख भी बढ़ जाती है पॉलीफेजिया पॉली Poly फेजिया, तो लेकिन इंसुलिन के जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं उसकी वजह से भी आपकी डायबिटीज मेलेटस होती है दो तरीके की हो सकती है आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस एंड एन आई डी डी एम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस टाइप वन डायबिटीज एंड टाइप टू डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीजिए की डिजीजे होती है यहाँ पे समाप्त ब्रीदिंग से लेकर यहां तक डन हो गया है जिस जिस बच्चे ने यहाँ तक पूरा सेशन लगाया है फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो सेशन को लाइक करके बता दो और एक बढ़िया नई सी इमोजी भेज दो होली वाली इमोजी भेजो बेटा होली इज कमिंग मंडे वी हैव होली होली वाली जरा भेज दें और पानी पी लें ताकि अपने को ए... ओ बेटा अगर मैं गिर जाती टेबल पे तो क्लास के अंदर कांड हो जाता <coughs> क्लास के अंदर कांड हो जाता इसको थोड़ा सा ना इधर करते हैं तो मैडम की क्लास एक हफ्ता अगले लग ना पाती सिर फिर टूट जाता ठीक है हाँ जी जिस जिसने यहाँ तक पूरा लगाया है होली वाली फटाफट से भेज दीजिए क्योंकि अपन लोग शुरू करने वाले हैं एस टी डी एस टी डी में कुछ ज़्यादा करना नहीं है बस बताना ही है मुझे लिस्ट बनानी है मीरा रही है आज अर्जक आया था रियली कहाँ आया था मुझे नहीं पता बेटा कहाँ पर आया था सब बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया ना आज मैं स्पेशल क्लास का स्केड्यूल रिलीज कर दूंगी वहां पर नेक्स्ट टेन स्पेशल क्लासेस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चलेंगे कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट चलेंगे नेक्स्ट स्पेशल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जजमेंटल आपकी अच्छा एक खुश खबरी और देनी थी बेटा अपनी जो अभ्यास बुक है सीप मैम की अमेजोन पे आप देखते हैं सीप पाउजा बुक डालेंगे आपको दिख जाएगा अभ्यास मॉक टेस्ट दैट इज रनिंग ऑन नंबर वन टूडेस टूडे क्या परसों से चल रही है नंबर वन इन एम्स एंड नीट कैटेगरी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव उसके अंदर चौबीस मॉक पेपर हैं प्रॉपर पेपर चौबीस ओ एम आर है एंड सप्लीमेंट्री बुक है आपके पास अब एमेजोन पे जाकर देखेंगे नंबर वन पे चल रही है हाँ जी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया सबने बहुत बढ़िया और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनका इंप्रूवमेंट देख के मैं बहुत खुश हूँ कहाँ उन्होंने चार नंबर से चालू किया था एंड नाउ दे आर स्कोरिंग सिक्स प्लस सिक्स प्लस एंड मोस्ट ऑफ द मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है जो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं से बेटा जरूर करिए मॉक टेस्ट जरूर करिए चलिए ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात करते हैं ज्यादा बात करनी नहीं है थोड़ी सी बात करनी है तो कर लें बताओ कर लें यहां लिख देखिए आपको जो याद रखना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में वो ये है वैसे मैं सफेद पेज पर पे लिखती नहीं हूँ बट लिख देते हैं एस टी होती है ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होती है ये मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री आ जाओ मेरे साथ बनाओ कैटेगरी वन इज बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकती है बैक्टीरियल एसटीडी कैटेगरी वायरस के द्वारा भी हो सकती है प्रोटोजोन एसटीडी चलो बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन ने मैनी बैक्टीरियल एसटीडी बताओ बैक्टीरियल एसटीडी के बारे में बताएं सबसे पहली आपकी आ जाती है सिफिलिस 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 देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेट मी बी वेरी क्लियर बट इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनोमा पैलिडम तुम्हारा बहुत दिल करे इसका नाम जानने का तो ये बेटा जी होता है वाया ट्रेपोनोमा पैलिडम और कोई गोनोरिया इट इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरिए नाइजीरिया गोनोरिए ठीक है जी यस yes. और कोई क्लैमाइडिया

इफ नॉट डेली कोई ना कोई और जरूर मिल जाए एंड सच में जिसने मेहनत की है छह सौ अस्सी से उपर नंबर आ रहे हैं कोई ना कोई एम्स तो बहुत बारी हो जाता है मैं एम्स ही लिखने वाली थी तो एड्स दैट इज कॉज बाय एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड वी हैव हेपेटाइटिस बी है ये सारे मेरे वायरल एसटिडीज है

अब सवाल इसमें से कैसा आता है बच्चों सवाल इसमें से आता है नेम द एसटीडी जिसको डायग्नोज करना टाइमली बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इनक्योरेबल है देखिए बेटा वैसे तो अगर किसी भी एसटीडी में आप बहुत लेट हो जाएंगे तो गड़बड़ है लेकिन तीन एसटीडी ऐसी हैं जो कि मेरे पास आती है इनक्योरेबल कैटेगरी में इसको याद करने का मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था बता दो जिसको पता है ट्रिक बताया हुआ है मैंने अपने सारे बच्चों को ट्रिक कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है क्या है? है है. तीन हाँ बिल्कुल सही है. <coughs> HIV, HIV माने AIDS, HIV मतलब AIDS, ठीक तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा हर पीस तो ये मेरे तीन जो एसटीडीज हैं, वायरल एसटीडी तीनों वायरल हैं. ये देखो मैं ऊपर डाल देती हूँ इसीलिए हो इसी गई बीमारियां बहुत, बहुत, बहुत है। तो हो होती हैं इनको अलग अलग पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है सीधे से इनके पांच छह पांच छह इनके वो दिए हुए हैं सिम्टम्स दिए हुए हैं कि भाई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी लड़की को हो रहा है तो अबॉर्शन हो जाएगा एंड फ्लूड डिस्चार्ज होगा इचीनेस होगी आपके ग्रोइन रीजन में आपके जोनाइटल एरियाज में फिर स्टिल बर्थ हो सकते हैं इससे अबॉर्शन मैंने आपको बता दिया एंड कैसे प्रिवेंट कर सकते हो तुमको पता है कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मत करें आपको पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए बैरियर मेथड का यूज करें और प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं अगर थोड़ा सा भी आपको शक होता है तो ठीक है जी डॉक्टर को दिखाए डॉक्टर 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 ओके जी डॉक्टर को दिखाएं हां जी दिखाएं। मेरे बच्चों शुरू करें आगे बढ़ते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जी डिसऑर्डर जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक्स पे आ गए जेनेटिक्स पे आ गए बेटा जी यस <laughs> yes. जेनेटिक्स पे आ गए सिकल सेल एनीमिया क्या सबको याद है सिकल सेल एनीमिया गैग टू गुग सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर 1 मिनट रुको गैग टू गुग अब मेरे बच्चों सबको याद हो चुका है गैग टू गुग है कि नहीं बता दो एक सेकेंड रुकिए. जस्ट अ सेकेंड लेट मी ओपन गैग टू गुग फॉर यू यस क्या कल की क्लास क्या बोल रही है बच्ची एक मिनट रुको एक बच्चा कह रहा है रिमूव कर दिया जाए तो डायबिटीज होगा कि नहीं बेटा इज नॉट वेस्टिजियल लाइक लाइक योर अपेंडिक्स उसे रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल बॉडी में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी मैम कल की क्लास का टाइम बोल दो चार बजे फारा, फारा शरीफ कल की क्लास का टाइम इज फोर आज जैसा टाइम है सेम कल की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखो मैं आपको कल की क्लास के बारे में कुछ सच्चाई बताऊं कल की क्लास में नो डाउट मैं आपको साइंटिस्ट एंड डेट्स खुद बताऊंगी लेकिन मैं एक तरीके से सब बच्चों का टेस्ट भी लेना चाहती हूँ कल की क्लास में लेट मी जस्ट ओपन कल की क्लास एक मिनट रुकिए हां जी मेरे बच्चों हाँ जी कल की क्लास के बारे में बता रही थी कल आपकी होने वाली है मैंने यहाँ पिन भी करा हुआ है जो कोई मिस नहीं कर सकता है मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कितना मजा आ रहा है यार मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आज पढ़ाने में वी हैव साइंटिस्ट डेट्स एंड

क्योंकि आप मुझे बताएंगे लिस्ट में सारी बनवा दूंगी आपकी अगला एक घंटा कल का एक घंटा तुम्हारा बहुत एफिशिएंट होने वाला है सब बच्चे इस क्लास को लाइक जरूर कर दे मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग लाइक बटन एंड मार्किंग योर अटेंडेंस इन दैट हम कहा थे गैग टू गुग में थे कहा गया टू गुग यार? सेल सेल कैसा डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है किस क्रोमोजोम पर हमारा इसका जीन प्रेजेंट है नंबर no. पर प्रेजेंट है बीमारी हो रही है किस वजह से पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ठीक है पॉइंट की वजह से यानी कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लोटाइट हो जा रहा है यानी कि क्या हो जा रही है सब्सटीट्यूशन हो जा रही है किस टाइप की सब्सटीट्यूशन प्यूरिन प्योरिन से रिप्लेस हो रहा है या फिर तो प्यूरिन पारामिडिन से रिप्लेस हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस वर्जन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी ट्रांस वर्जन हो रहा है देखिए नॉर्मल जीन मेरे पास कौन सा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जेनेटिक्स जेनेटिक्स के 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 डिसऑर्डर डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल के में से आएगा 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 लिख ले लो नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना कुछ और रख देना एच बी एंड एच बी ए सोच लो बेटा क्या नाम रखोगे मेरा नाम बहुत यूनिक है जो नया नाम रखोगे वो भी यूनिक रखना ठीक है वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी मैं हर साल ये बोलती हूँ और हर साल इसमें से सवाल आता है तो एक मेरा नॉर्मल जीन होता है नॉर्मल जीन का नाम है एच बी ए

three prime to five prime यहाँ पर लिखा हुआ है gag ये डीएनए बना रही हूँ, आरएनए नहीं बना रही यहाँ पर लिखा हुआ है g t g अब अगर मेरे फाइव प्राइम में gag है तो यहाँ पर क्या होगा c t c यहाँ क्या होगा c a c प्रॉब्लम क्या हुई ये जो मेरा नीचे वाला स्ट्रैंड था इसको मैं हाईलाइट करती हूँ. ये जो मेरा नीचे वाला स्ट्रैंड था इसका t इज रिप्लेस्ड बाय a

किसको देखकर बनता है एम आर एन ए बताओ किसको देखकर बनता है मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर बनता है ठीक है जी टेम्पलेट टेम्पलेट मेरा ये है ये ये ठीक है जी बना दे यहाँ पर बन जाएगा जी ए जी और यहां पर बन जाएगा मेरा एम आर एन गैग टू गोग गैग टू गोग गैग टू गोग डीएनए में नहीं होता है गैग टू गोग में होता है तो अगेन जी कोडिंग स्ट्रैंड स्ट्रैंड से से बिल्कुल मैच से मेरा बिल्कुल मैच मैच करेगा तुम कोडिंग मेरा यहाँ पर, यह पर बीटा चेन की कौन सी की? बीटा चेन की सिक्स पोजिशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बीटा चेन की सिक्स पोजिशन पर यह सिक्स पोजिशन है यहाँ होता था ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड अब क्या हुआ इसी बीटा चेन की छठी पोजीशन पर एक दो तीन चार पांच छ बीटा चेन की छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो चुका है वैलिन हो चुका है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन गैग इज रिप्लेस्ड बाय गोग इन एमआरएनए एंड टी इज रिप्लेस्ड बाय ए इन केस ऑफ डी हर

क्या कोई प्रॉब्लम आएगी देखो नॉर्मल इंसान एच बी एच बी ए इसके सारे आरबीसी बायकॉन के होंगे इसमें हेट्रोसाइग भी होते हैं एच बी एच बी एस इसमें बेटा जी ये कहलाएंगे कैरियर कैरियर को एक फायदा होता है दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया इनको फायदा हो जाता है लेकिन इनके कुछ आरबीसी ऐसे होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं ज्यादा नुकसान नहीं होता नुकसान होता है ऑटोसोमल रिसेसिव एचबीएस एचबीएस वालों को दे आर सिकल सेल एनीमिया एंड दिस इज फेटल इससे डेथ हो जाती है ठीक है सारे आरबीसी आगे फंस जाएंगे एंड इट मे लीड टू डेथ ठीक है जी यहां पर अगर तुम देखोगे एक जीन के मल्टीपल इंपैक्ट्स वन जीन एचबीएस डिफेक्टेड जीन मल्टीपल इंपैक्ट्स क्या कहलाता है अगर एक जीन के मल्टीपल इंपैक्ट्स होते हैं व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड डस क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को लेट मी सी कितनी नॉलेज है कितना प्रिंसिपल करा है तुमने कितना जेनेटिक्स आता है वेरी गुड रागिनी रागिनी बिल्कुल सही आंसर दे रही है दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी किसका एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी एक जीन के मल्टीपल इंपैक्ट होते हैं वो क्या होती है आपकी प्लियोट्रॉपी होती है वेरी गुड सिकल सेल एनीमिया डन सिकल सेल एनीमिया के बाद अपने चलते हैं फिनाइल किटोन्यूरिया पे ये भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है तो फिनाइल कीटोनुरिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव देखो मैं कोई डिसऑर्डर नहीं छोडूंगी टीप मैम आपको क्या लगता है बीच में छोड़ के जाती हैं कभी ना कभी कोई सीरीज छोड़ी ना कभी अपने बच्चों को बीच में छोड़ा ना मैं कभी ऐसी हूं कि सिर्फ इस समय आती हूं बेटा ऐसे ही नहीं ऐसे ही नहीं ये पैदा होते हैं कौन बच्चे नहीं मेरे ये वाले बच्चे लेट मी शो यू बेटा ऐसे ही नहीं ये पैदा होते हैं इट टेक्स टाइम टू बिल्ड फ्रॉम ऑनलाइन ऐसे ही नहीं बेटा जी ये वाला रिजल्ट आता है मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ही नहीं आते हैं मेरे बच्चों ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का मेरा नहीं आपका रिजल्ट है जो बच्चों ने मेरे से पढ़ाई की थी दिस इज हाउ मच द ये एक पेज है एक पेज पे सारे फुल नहीं आ रहे थे दूसरा पेज ये बनाना पड़ा जिनका सबका सिलेक्शन हुआ है सबका बहुत सारे बच्चे यहाँ प्लस के हैं बहुत सारे बच्चे इसमें से यूट्यूब वाले भी हैं जिन्होंने पूरी बायोलॉजी यहाँ से पूरी की थी चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे वो डिटेल्ड कोर्स हो तो ऐसे ही रिजल्ट नहीं आते हैं तो इसीलिए ना हम कभी छोड़ते हैं बीच में ना बेटा मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी जो बच्चा मेरे साथ शुरुआत से कनेक्टेड है या आप अभी क्रैश कोर्स से भी कनेक्टेड हो जाते ना बेटा यू कैन स्टिल गेट योर नेम इमेज इन दिस ठीक है जी यस इमेज इन दिस क्या कह रहा है बच्चा अगला फोटो मेरा सही बात आई नो 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 यूरिन प्रॉब्लम में डायबिटीज मेलेटिस लिखे हो इंसिपिडस आएगा शबाना अख्तर मैंने ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया में लिखा था कि अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए वो तो मेलेटस ही आगे बढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ अगला नाम मेरी इस हॉल ऑफ फेम में आपका आए वो तभी आ सकता है डू लीव एवन एवन सिंगल थिंग जब आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जब सारी चीजें करके जाते हैं तो हो ही नहीं सकता बायो में कम नंबर आए ठीक है जी बायो में really आप सबका फोटो आए। देते हो, है पेपर से आता है कितने मॉक टेस्ट तुमने अभ्यास मॉक टेस्ट दिया होगा कहीं और कोचिंग वोचिंग के मॉक टेस्ट दिए होंगे तुम्हें लगता है पेपर बाहर से आता है हमारे नोट से हमारे नोट से कुछ बाहर आ ही नहीं सकता बिकॉज आवर नोट्स आर सो मच गुड सो बेस्ट नोट्स है डिस्क्रिप्टिव नोट्स है सारे नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्ड भी है क्रैश कोर्स भी है वन शॉट भी है सब पड़ा वहां पर और मैं करवा भी रही हूँ अब तो सुपर नोट्स बना रही हूँ तुम्हारे लिए मेहनत करके ताकि बेटा तुम्हारी एनसीआर टी इतनी क्रिएटिव वे में मैं लिख दू यस yes, मेरे बच्चों सिलेक्शन लेके अगला फोटो ना मुझे तुम्हारा चाहिए यहाँ पर आई रियली वॉन्ट अगला फोटो मेरे बच्चों आपका अच्छी सी फोटो देना बढ़िया लगाऊंगी जो ज्यादा नंबर लेगा उसको बड़ा फोटो लगा दूंगी मेरे लिए सिलेक्शन इज सिलेक्शन चाहे आपके 620 भी आए ना तो भी मेरे लिए आपकी उतनी अहमियत है चाहे आपके छे सौ नब्बे आ जाए तो भी आप मेरे लिए बराबर है सिलेक्शन माने सिलेक्शन 620 बीस से हो चाहे सात सौ से हो फर्क नहीं पड़ता तो थोड़ा बात किस्मत भी होता है I understand. Selection के लिए मेहनत किस्मत पर करता है। चलो, क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम पे एक जीन बैठा होता है इस जीन का काम है एंजाइम बनाना ये एंजाइम बनाता है फिनाइल एलेन फिनाइल एलेन हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलेज़ ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज़ है ना दिस इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम अगर तो ये आ रहा है बहुत बढ़िया बात है बट इफ दिस जीन म्यूटेट्स अगर इसमें क्या हो जाती है म्यूटेशन हो जाती है तो एंजाइम नहीं आएगा कोई एंजाइम नहीं आया तो भाई किसका एक्यूमुलेशन होगा ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन लिखना था एक मिनट रुको टायरोसिन में टायरोसिन में बेटा जी कन्वर्ट नहीं होगा तो दिस विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्वेश्चन आएगा क्या एक्यूमुलेट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलनिन ठीक है फिनाइल एलनिन एलनिन से ना वो तुम्हारा याद आ जाता है accumulation of phenylalanine and which will convert into phenyl pyruvic acid which is not good ah aap bolo mam accumulation ho raha hai to badhiya hai na hone do hone nahi de sakte kyun kyunki ye ja kar seedha aapke brain ke cells ko impact karta hai which is a primary effect brain brain तक रुकता तो हमें छोड़ भी देती लेकिन इसके अलावा इसके और भी impact हैं it impacts brain cell it impacts skin skin में बेटा जी pigmentation हो जाती है रंग आ जाता है uh, मतलब धब्बे डार्कनेस टाइप हो जाता है एंड इट ऑल्सो योर हेयर हेयर को भी इम्पेक्ट करता है ये जो दोनों इम्पैक्ट है ना इसके दीज आर द सेकेंडरी इफेक्ट फिर से एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट बताओ इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट यस मेरे बच्चों एक जीन के जब मल्टीपल इफेक्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं आंसर आंसर हाँ जी ब्रेन पे इम्पेक्ट किया तो मेंटल रिटार्डेशन एब्सोल्युटली ब्रेन से इम्पैक्ट किया तो मेंटल रिटार्डेशन एक जीन के मल्टीपल इम्पैक्ट वेरी गुड प्लियो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लियो क्या कह रहे हैं ये ये कौन है अर्शिका कह रही है मैम इसमें इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों बुक के डिसऑर्डर के सेशन है क्या मैम हाँ हाँ तो तुम देख ही रही हो अभी इससे पहले इलेवंथ का ह्यूमन फिजियो किया अब ट्वेल्थ में ही तो आता ही है ये, इतना तो दिमाग आप भी लगाते हैं देखिए वन शॉट है वन शॉट मीन एवरीथिंग पूरी दोनों एनसीआरटी में जो भी डिसऑर्डर है मैंने सब ले लिया हैं इसमें मैंने इसमें सब ले लिया हैं ओके जी यस नेक्स्ट डिसऑर्डर इज इज गोइंग टू बी थैलेसीमिया थैलेसीमिया यस ऑटोसोमल रिसेसिव इज ऑटोसोमल रिसेसिव ठीक है ये जो थैलेसीमिया है दो तरीके का हो सकता है दो दिया भी हुआ है जितना एनसीआरटी में दिया उतना बताऊंगी अल्फा थैलेसीमिया ये सब तुमको याद करना है एंड बीटा थैलेसीमिया एल्फाथलेसीमिया एंड बीटा थैलेमिया ये थैलीसीमिया से ना मुझे थोड़ा थलाएवा, थलाएवा याद आता है डबल एल नहीं आना था एल्फासी एल्फाथलेसीमिया में क्या हो रहा है देखिये एल्फाथैलीसीमिया में क्रोमोजोम नंबर सिक्सटीन पे प्रॉब्लम आ रही है किसपे प्रॉब्लम आ रही है क्रोमोजोम नंबर सिक्सटीन बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोजोम नंबर इलेवन पे प्रॉब्लम आ रही है Alpha, uh, 16 मेरे पास दो जीन है एच बी ए वन एंड एच बी ए टू ये जो दो जीन्स है ना इसमें म्यूटेशन आई है अल्फा का नाम अल्फा इसीलिए है क्योंकि इसमें जो अल्फा चेन है ना हीमोग्लोबिन की दैट इज एब्सेंट है ही नहीं या फिर क्या है रिड्यूस्ड है यस yes, मेरे बच्चों बीटा चेन बिल्कुल सही सलामत है दैट इज ओके अब अगर ये ओके okay है तो एक ही बची एक बेचारी बच के इकट्ठी हो जाएगी इकट्ठी होने का मतलब है ये हो जाएगी प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट हो जाएगी तो आरबीसी टूट जाएंगे आरबीसी रपचर चलो इधर आ जाओ बीटा थैलेसीमिया में जो जीन है दैट इज एचबीबी जीन एचबीबी कैपिटल बी जीन यहाँ बीटा थैलेसीमिया का नाम बीटा थैलेसीमिया इसलिए क्योंकि बीटा चेन गायब है जो नाम है ना वोली चेन ही गायब है बीटा चेन इज आइदर एब्सेंट और रिड्यूस्ड तो भाई कौन सी वाली प्रेसिपिटेट करेगी अल्फा चेन जो है ना ये प्रेसिपिटेट कर जाएगी अगर ये प्रेसिपिटेट कर गई अगेन आरबीसी रप्चर यानी कि यहां पर आरबीसी बेटा जी खराब हो रहे हैं नंबर कम हो रहा है क्वालिटी ठीक है देखो मान लो मेरे पास सौ आरबीसी है सौ में से अस्सी तो मैंने ऐसे ही खराब कर दिए मतलब ये जो प्रॉब्लम है थैलेसीमिया का जो प्रॉब्लम है ये क्वांटिटी का प्रॉब्लम है कि सौ में से खराब हो गए, बचे। यानी कि this is basically quantitative problem. Quantitative problem है। लेकिन अगर तुम जाओगे, जाओगे अपने पिछले वाले पे, कहां गया? सिकल पे जाओगे रुको, जाने दो। सिकल पे जाओगे, यहां पर आरबीसी की क्वांटिटी खराब नहीं हो रही क्वालिटी खराब हो रही है क्वालिटी कैसे कि भाई ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन में आ गया। क्वालिटी खराब हो रही है तो सिक्कल एनीमिया इज डिसऑर्डर

इनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मांगता है चाहिए होता है। चलिए, एक मिनट अगला हाँ। कलर, कलर, कलर हेमोफीलिया ही तो बचा ये क्या है मेरा सेक्स लिंक डिसऑर्डर है इससे पहले वाले ए आर थे ऑटोसोमल रिसेसिव दिस वन इज एक्सलिंकड रिसेसिव यानी कि इसका जो जीन है वो कहां पर बैठा है इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पर बैठा है ठीक है जी इसका जीन मेरा एक्स पर बैठा है तुमको पता है जो बीमारी एक्सलिंग होती है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करती है क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ये बीमारी फादर से किसके पास जाएगी अपनी पोती के पास ठीक है फादर से सन में गई सन से ग्रैंड डॉटर में जाएगी क्रिस क्रॉस हो गया ना ग्रैंड डॉटर में जाएगी फीमेल से सॉरी ओहो फीमेल से बेटे में मतलब लड़की लड़के को देगी फिर लड़का आगे लड़की को दे देगा जैसे मेल जो है ओहो ये क्या खुल गया ये तो पेपर खुल गया अपना, ना वाला हमारी फाइल कहाँ गई फाइल ये मेल जो है वो अपने बेटी मेल जो है वो अपनी बेटी को देगा डॉटर को देगा एंड डॉटर आगे अपने बेटे को देगी ग्रन हो गया ना इस वाले मेल का grandson को जाएगा ठीक है है जी कलर कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस में 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 हो क्या रहा है? Color blindness में कुछ रंग कांग्रेस करने में दिक्कत आती है जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कौन सी है मोस्ट कॉमन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इसमें क्या होता है रेड और ग्रीन सेम ही दिखते हैं बेचारों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब वो सिग्नल पे खड़े होते हैं सिग्नल पे तो तुमको पता ही है पता ही नहीं चल रहा कि चलना है जीन में म्यूटेशन आने की वजह से आई के जो कॉन सेल्स है आई निकाल दिया है सिलेबस में से बट वहां पर रॉडजेंट होते थे ना तो आपकी आंखों में जो कॉन्स थे कॉन्स की पिगमेंट में प्रॉब्लम आ इज अफेक्टेड चलिए इसको समझने के लिए एक केस कर लेते हैं किसको बीमारी होगी अगर मेल है तो किसको बीमारी होगी और अगर फीमेल है तो किसको बीमारी होगी बताओ मेरे को यस बताओ किसको बीमारी होगी मेल को बीमारी तब होगी अगर बेटा मेल तो होता है एक्स वाई अगर इसके एक लौते एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है एक्स स्मॉल सी प्रेजेंट है ये मेल क्या हो जाएगा अफेक्टेड दिस मेल इज अफेक्टेड

Affected. तो भाई मेल में अफेक्टेड होने के लिए बस एक ही रिसेसिव वाला एक्स चाहिए लेकिन फीमेल में अफेक्टेड होने के लिए दो रिसेसिव वाले एक्स चाहिए तो ज़्यादा हो जाएंगे फीमेल्स के comparison में ठीक है ज़्यादा मेंफेक्टेड हो जाएंगे एक सवाल दू क्या एक सवाल करेंगे एक सवाल कर लो यार प्लीज एक सवाल कर लो एक सवाल मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें आ गया है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं विश्वास विश्वास चलिए डिफिकल्ट वाला एक ही बारी में सवाल दूंगी ये मैंने बहुत बारी कराया भी हुआ है नए बच्चे इसको प्लीज करें कॉपी पेन निकाल लें कॉपी पेन निकाल लो अ फीमेल उस फादर मैं हमेशा एक क्वेश्चन कराती हूँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अ फीमेल उस फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन कलर ब्लाइंड मैन एंड आपको निकालना है आपको निकालना है ए वॉट इज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मेल आपको निकालना है वॉट इज अ परसेंटेज ऑफ डिजीज मेल कॉपी पेन निकाल लो वॉट इज अ परसेंटेज ऑफ डिजीज फीमेल डिजीज फीमेल वॉट इज अ परसेंटेज ऑफ डिजीज प्रोजनी डिजीज प्रोजनी कम ऑन गाइज तीन चार परसेंटेज आपको बतानी है डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा डैश अब तक मैम अपने आप को डायबिटीजनसिपिडस से बचा लें पानी पी लें ओहो ब्रेक के लिए आ गए बेटा हीरो आ गए हमारी क्लास में वापस जब अच्छा तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें शेर और शायरी इस सवाल के बाद शेयर शेयर करूंगी मैं सेशन लाइक क्यों नहीं कर रहे हो अटेंडेंस लगाओ बेटा सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो क्या आंसर आंसर डैश 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 चार चार आएंगे कितने आ रहे रहे हैं मेरे मेरे को चार चाहिए आप एक दे ठीक है जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे पापा कलर ब्लाइंड यानी कि इस फीमेल के जो पापा हैं वो एक्स वाई होंगे कलर ब्लाइंड थे कि ऐसे थे सी थे इन्होंने अपनी बच्ची को एक स्मॉल c तो दिया ही होगा ना तो मेरी फीमेल जो है वो कैरियर है मेरी जो फीमेल है जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो कैरियर है इसने शादी की किसके साथ शादी की कलर ब्लाइंड मैन यानी कि x स्मॉल c y के साथ शादी की बच्चे बना लेते हैं तो पहला होगा x स्मॉल c एंड x स्मॉल c ये क्या होगी ये हो गई मेरी अफेक्टेड फीमेल द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फीमेल ठीक है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना लो ये वाला x इससे भी जुड़ सकता है यानी कि एक्स स्मॉल सी वाई एक्स स्मॉल सी वाई ये हो जाएगा मेरा अफेक्टेड मेल मेरे साथ साथ देखो ये हो जाएगा मेरा अफेक्टेड मेल तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है एक्स स्मॉल सी एक्स एक्स स्मॉल सी एक्स तो ये मेरी हो गई कैरियर फीमेल नॉर्मल फीमेल है ये कैरियर फीमेल कैरियर फीमेल चौथा क्या बन सकता है चौथा बन सकता है एक्स वाई ये मेरा नॉर्मल मेल है है ना? ये मेरा, ये मेरा, मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मल मेल सबके यही चार बच्चे बन रहे हैं और तो कोई नहीं बन रहे और तुम कोई और बच्चे बना लो ये फोर टाइप के किड्स आपके बनेंगे है कि नहीं ये फोर तो, टाइप के किड्स बनेंगे एक मिनट इसको मैं उठा के ना यहां नीचे रखती हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे मिनट

दो में से मेरे नॉर्मल कितने हैं एक नॉर्मल है एक अफेक्टेड है, है आप चारों को नहीं देखेंगे टोटल विल बी टू ओनली सिर्फ मेल्स को देखिए नॉर्मल मेल मेरे कितने हैं दो में से एक है दो में से एक का मतलब है 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 दो में से एक का मतलब यानी कि ठीक है? अब पूछ रहे हैं डिजीज्ड मेल अगेन चारों को नहीं देखना है सिर्फ मेल को देखना है क्योंकि इसने मेल लिखा है तो मेरे पास चार में से दो मेल है दो में से डिजीज वाला एक है डिजीज वाला एक है अगेन विल बी द आंसर 50% दैट इज 1/2 अब पूछ रहे हैं डिजीज्ड फीमेल अब सिर्फ फीमेल को देखेंगे ये आ, फीमेल मेरी एक तो ये है कि एक अफेक्टेड है और एक मेरी कैरियर है तो डिजीज मेरी दो में से एक हुई दो में से एक होने का क्या मतलब है 50% दो में से एक होने का क्या मतलब है 50% 50% फीमेल मेरी अफेक्टेड है और 50% क्या है कैरियर अब पूछ रहे हैं डिजीज्ड प्रोजेनी जब ये के बारे में बात कर रहा है यानी कि ये मेल और फीमेल को अलग नहीं गिन रहा है अब तुम चारों में से देखो चारों में से डिजीज प्रोजनी कौन सी है किस किस को बीमारी है एक बीमारी है और एक बीमारी है टू बाई फोर टू बाई फोर माने अगेन फिफ्टी परसेंट ये वन बाई टू वन बाई टू एंड टू बाई फोर तो जब तक ये प्रोजनी ना बोल दे तब तक आप चारों को काउंट नहीं करेंगे मेल बोल रहा है तो सिर्फ मेल मेल वाले को काउंट करना है फीमेल बोल रहा है तो टोटल नंबर विल बी टू फीमेल फीमेल वाले को ही काउंट करना है ये चीज मैं आपको इस सवाल से समझाना चाहती थी चाहे हेमोफीलिया हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो इस टाइप का सवाल आपको डेफिनेटली आ सकता है बच्चे गलती क्या करते हैं वो नॉर्मल मेल ढूंढने चलेंगे नॉर्मल मेल उनको लगता है वन नॉर्मल मेल आउट ऑफ फोर फोर नहीं है चारों लड़के थोड़ा है लड़के तो दो ही है तो वन नॉर्मल मेल आउट ऑफ टू नॉट फोर ये मेरे को आपको डिफरेंस समझाना था समझ आ गया यस समझ आ गया चलिए अगले वाले पे चलते हैं इसके वैसे ही होंगे मैं जस्ट आपको लिख रही हूँ दिस इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर दिस इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर एक्स रिसेसिव है ये भी एक्स लिंक है ये भी यहाँ पर भी किसको अफेक्टेड होगा अगर मैं बात करू फीमेल की एंड अगर मैं बात करू मेल की खुद बताओ हां जी फीमेल में कौन कौन से केस बन सकते हैं फीमेल में मैंने तुमको बताया एक्स 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 स्मॉल एच स्मॉल एच दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फीमेल कैरियर फीमेल कैसी होगी एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच दिस इज गोइंग टू बी कैरियर इसको बीमारी नहीं होगी कैरियर कभी भी अफेक्टेड नहीं होता बेटा इसको बीमारी नहीं होती बस ये कैरी करता है जीन आगे देन एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच दिस इज नॉर्मल फीमेल कैरियर भी नॉर्मल है बट कैरियर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बस वो जीन को आगे कैरी कर रहा है मेल में बीमारी किसको होगी एक्स स्मॉल एच वाई ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड मेल ठीक है अफेक्टेड मेल अगर नॉर्मल एक्स कैपिटल एच वाई होगा तो नॉर्मल मेल है नॉर्मल मेल है ठीक है जी ये पता चल गया तो बीमारी ज्यादा किसको होगी मेल्स को होगी वाई क्योंकि मेल्स में बीमारी करने के लिए एक एक अफेक्टेड एक्स ही काफी है फीमेल में बीमारी करने के लिए दो अफेक्टेड एक्स चाहिए तो ज़्यादा अफेक्टेड कौन होंगे मेरे मेल्स होंगे दो तरीके का हेमोफीलिया हो सकता है मेरे बच्चों दो तरीके का हो सकता है बताओ टाइ हेमोफीलिया टाइप ए टाइप ए एंड टाइप बी टाइप ए हिमोफीलिया यस किसकी वजह से होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट इज एबसेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट एट एक दो तीन सिक्स सेवन एट एट एबसेंट ठीक है अगले वाले में नाइन एबसेंट यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नाइन इज एबसेंट ठीक है जी इसी दूसरे वाले को टाइप बी वाले को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रिसमस बीमारी ठीक है

बॉडी फ्लोइड एंड सर्कुलेशन में लेकिन इस अफेक्टेड इंसान का ही नहीं चल पाता ब्लड का लॉस हो जाता है तो छोटी सी भी चोट से उनको बचाकर रखना पड़ता है क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है हाँ जी अगली बीमारी पे आ जाइए नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर सबसे पहले मेरा डाउन सिंड्रोम 2023 में सवाल आया था बेटा इस पे इसको हल्के में नहीं लेना 2023 का सवाल है आना ही आना डाउन टर्नर फिनाइल बड़ा मजा है फिनाइल वो वाली नहीं है घर में पोछा लगाने वाली नहीं फिनाइल phenyle... क्या कह रही हूँ क्लाइन फिल्टर बोल रहा था फिनाइल कीटोन्यूरिया दिमाग में चल रहा है बीच में पोछे वाली फिनाइल आ गई है एनीवे anyway, बेटा हो जाता है जब हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना तो थोड़ी खिचड़ी पक जाती है यस yes. <laughs> ठीक है चलो दूध पी लो बेटा साथ साथ दूध पिया करो खूब बादाम खाया करो तुम्हारा दिमाग तेज रहेगा अगले पचास दिन अपने आप को सुपर एक्टिव रखना है तो डाइट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट स्लीप शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट स्लीप साइकिल शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट एक टीचर को पकड़ो उसी से सब कुछ करो टीचर सारे अच्छे हैं तुमको जिससे समझ आता है वो अच्छा टीचर है तुम्हारे लिए टीचर कोई गंदा नहीं पढ़ाता सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन दस लोगों से थोड़ा पढ़ सकते हो अब बायो दस लोग से जाके पढ़ रहे हैं फिजिक्स भी दस लोग से जाके पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस इधर से कर रहे हैं थ्योरी इधर से कर रहे हैं क्या चल रहा है

एन्यूक्लॉइडी ठीक है जी यस yes. तो फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन टोटल मेरे पास क्रोमोसोम्स यहां पर हो जाएंगे टोटल नंबर फोर्टी सेवन क्या क्या प्रॉब्लम आती है जरा ध्यान दो ये मेरा एनसीईआरटी का ही फिगर है इस बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन फिजिकल रिटार्डेशन होगा इस बच्चे का जो हेड है वो फ्लैट होगा इस बच्चे की जो उंगलियां हैं उस पर बहुत सारे लूप्स होंगे ये टिप्स टिप्स पर फिंगर पर लूप्स होंगे और इसके हाथ पे लकीरें ज्यादा नहीं होंगी सिंगल क्रीज होगी जिसको हम बोलते हैं सिंगल क्रीज को बोलते हैं क्रीज 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 सिंगल पाम या फिर भी बोल सकते हो ये डिसऑर्डर एक और नाम से जाना जाता है मंगोलियन डिसऑर्डर मंगोलियन डिसऑर्डर इसको डिस्कवर करने वाले थे लैंगडोन डाउन ठीक है जी इसीलिए इसका नाम है डाउन सिंड्रोम डिस्कवर डिस्कवर साइंटिस्ट का नाम था डाउन ठीक है जी और बेटा जी टंग जो है वो फरोड रहेगी ऐसे गोल सी रहती है बच्चे का मुंह जो है वो जनरली खुला रहता है हार्ट में भी इश्यू रहता है एंड बिग रिंकल्ड टंग रहेगी यस yes, मेरे बच्चों पता चल गया डाउन हाँ सिंड्रोम जी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है ना ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी ओके चलिए अगला डिसऑर्डर मेरे पास आता है क्लाइन फेल्टर जिसको फिनाइल फिनाइल कर रही थी ना दैट इज क्लाइन फेल्टर सबसे पहले तो याद कर लो क्लाइन फेल्टर लड़कों को होता है टर्नर लड़कियों को होता है

44 plus xy नॉर्मल लड़का यही होता है लेकिन मेरा क्लाइन फेल्टर का जो लड़का है क्लाइन फेल्टर का जो लड़का है that is going to be 44 plus x x y 44 plus x x y माने कि ये जो x है ना इसको 44 plus x x y लिख सो लिख दो या फिर 47 हो जाएंगे ना टोटल क्रोमोजोम 47 comma x x y भी लिख सकते हैं ध्यान देना है बेटा अगर मैं यहां पर फोर्टी सेवन प्लस एक्स एक्स वाई लिख दूंगी गलत हो जाएगा क्योंकि 47 प्लस एकस एकस वाई का मतलब है 48, 49, 50, 50 हो गए तो 44 में आप प्लस करके तीन डाल सकते हो 47 तो टोटल नंबर है प्लस नहीं कॉमा डलेगा आर यू आर यू पेइंग अटेंशन टू दिस पार्ट कि भाई मैं प्लस कि कॉमा लगाऊं प्लस तब लगाओगे जब आपने टोटल नहीं किया ऑटोसोम तो अलग है सेक्स क्रोमोसोम अलग है लेकिन कॉमा तब लगाओगे जब आप टोटल लिख रहे हो 47 टोटल है प्रॉब्लम है XXY अगर तुमने गलती से भी 47 प्लस XXY वहां ऑप्शन में दिया हुआ दैट इज रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि दिस शोस कि 47 प्लस 48 49 50 50, 50 क्रोमोसोम्स हो गए तो प्लीज ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना कॉमा है या प्लस है इसको ध्यान देना है प्लस 44 के साथ लग सकता है या 45 के साथ लग सकता है टोटल के साथ नहीं लगता है प्लस 44 के साथ ही लगेगा 45 के साथ भी नहीं लगेगा 44 के साथ ही लगेगा ओके okay जी चलिए बहुत बढ़िया है इस पर्सन को क्या होगा देखिए अगर लड़के के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स एक्स आ गया तो इस कॉपी ऑफ की वजह से गाइनेकोमेस्टिया हो जाएगा गाइनेकोमेस्टिया हो जाएगा मतलब लड़के की ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी फंक्शनल नहीं है बट ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू हो जाएगी थोड़ी सी दिस मेल इज गोइंग टू बी स्टीराइल मेल ठीक है जी ये देख लीजिए ये सारा प्रॉब्लम आएगा टेस्टिकल्स विल बी स्मॉलर एंड ब्रेस्ट दैट इज गाइनेकोमेस्टिया लंबी सी लेग्स हो जाएंगी मसल भी अच्छे से नहीं बनेगी फेस पे जो लड़कों के बाल आने चाहिए घने बाल आने चाहिए वो भी नहीं अच्छे से आ पाएंगे स्पार्स मतलब फैले फैले होंगे अच्छे से ठीक नहीं आएगी दिस इज क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर के बाद अब जो लड़कियों को नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज टर्नर टर्नर लड़की को होगा क्लाइंट फिल्टर लड़के को होगा तो ये लड़की को होगा ठीक है जी पहली चीज ये ये जो मेरा टर्नर है टर्नर होता है ड्यू टू मोनोसोमी लड़की में अगर मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम हो जाए तो हो जाएगा बेटा जी ये डिसऑर्डर देखो नॉर्मल लड़की कौन सी होती है नॉर्मल फीमेल का अगर मैं केस देखूं दैट इज फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स ऐसी होती है नॉर्मल लेकिन टर्नर फीमेल कैसी होगी टर्नर फीमेल कैसी होगी फोर्टी फोर प्लस एक्स जीरो इसके पास दो एक्स होने चाहिए थे लेकिन एक ही है एक्स जीरो, जीरो माने कुछ नहीं है दूसरा इसको और कैसे लिख सकते हो बताओ कॉमे वाला बताओ कॉमे में टोटल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे कॉमा कॉमा पेइंग अटेंशन टू प्लस एंड द है ना याद रहेगा सबको यानी कि इसमें जो गैमिट हैं वो गड़बड़ फ्यूज हुए हैं एक गैमिट एन माइनस वन वाला फ्यूज हो गया और एक नॉर्मल तो अगर ऐसा हो जाएगा केस इट विलीड टू टू एन माइनस वन टू एन माइनस वन वॉट इट अब टर्नर फीमेल के सिम्टम्स क्या होंगे देखो अगर किसी लड़की में दो एक्स होने चाहिए थे एक एक्स आया तो लड़की का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे यानी कि द मेजर सिम्टम इज गोइंग टू तो बी रिडीमेंट्री ओवरीज रूडिमेंट्री ओवरीज मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम आएगी दिस फीमेल इज ऑल्सो गोइंग टू तो बी स्टेराइल फीमेल शॉर्ट स्टेचर हाइट भी छोटी होगी ठीक है ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए इमेज में डाल दिए हैं ठीक है शॉर्ट स्टेचर्ड होगा इनफर्टिलिटी होगी एमेनोरिया होगा उसके पीरियड्स भी नहीं आ पाएंगे या प्रॉपरली नहीं आएंगे एमेनोरिया। ठीक मेरे बच्चों चलिए विद डन डिसऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल जहां से एक सवाल आएगा ही आएगा एक सवाल तो आएगा ही आएगा ये कौन है कोमल क्या कह रही है कोमल कह रही है विल यू टेक इलेवेंथ ऑल्सो ना एक मिनट

पेट का डिसऑर्डर है ना स्टमक में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी वीकनेस हो रहा है स्टमक पेन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है हेडेक हो रहा है लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है टाइफॉयड जनरली बाहर का गोलगप्पा ठेले से खाओगे जहां पर अच्छा पानी नहीं है सफाई नहीं है गंदगी है फूड पॉइजनिंग यानी कि टाइफॉइड हो जाएगा तुम्हें ठीक है जी स्टमक पेन कॉन्स्टिपेशन ये सब होगा मैरी मेलन बेटा इज अ पर्सन जिसको हम टाइफॉइड मेरी बोलते हैं जो कि ह्यूमन कैरियर है ये कुक थी ह्यूमन कैरियर है कुक थी बेटा जी जिसने अपने सारे क्लाइंट्स को घर पे जाके खाना बनाती थी और उसने उसको टाइफॉइड था उसने अपने सारे क्लाइंटों को भी टाइफॉइड दे दिया था मुफ्त में गिफ्ट में कि मैं खाना तो बनाऊंगी बनाऊंगी तो बीमार भी कर दूंगी तो इसीलिए बेटा जी इस मैरी मेलन को हमने क्या नाम दे दिया टाइफॉयड मैरी नाम दे दिया इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है विडाल टेस्ट है तो पहला बैक्टीरियल डिसऑर्डर अपना यह आ जाएगा अगला बैक्टीरियल डिसऑर्डर बेटा जी आ जाएगा मेरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भर जा रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेशन में फ्लूइड बढ़ रहा है ठीक है यहाँ पर बेटा जी फ्लूइड भर रहा है तो बुखार तो आएगा ही आएगा कंपनी छूटेगी सांस लेने में दिक्कत आएगी कफ होगा लिप्स एंड फिंगर नेल्स भी ग्रेष हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है अगर मेरे एल्वेलाइ जो कि साइट ऑफ एक्सचेंज है उसमें फ्लूइड भर जाएगा तो एक्सचेंज कहाँ से होगा एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा यहाँ एक्सट्रीमिटीज तक इसीलिए नीले पड़ जाएंगे ठीक है इन्फेक्शन कैसे होता है एरोसोल पार्टिकल्स की हेल्प से राइट right, मेरे बच्चों तो ये बात होगी निमोनिया नेक्स्ट आ जाए कॉमन कोल्ड वायरल डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं कॉमन कोल्ड बेटा एक वायरल प्रॉब्लम है वजह से होता है ड्यू टू राइनो वायरस क्या नाम है साथ साथ याद करो ये एक की है कोई नहीं छोड़ेगा इसमें बेटा नाक में से नजला बहता है यानी कि और लंग्स तक इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहां पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक है जी और क्या होगा थ्रोट गला खराब भी होगा सिर भी दर्द होगा है ना ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ स्नीज आई दर इनहेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द कंटामिनेट कैसे होगा एक आदमी को सामने कोल्ड है वो छींकेगा तो तुम सांस लोगे तुम्हारे अंदर भी चला जाएगा या फिर उस आदमी ने छींका अपने हाथ पे हैंकी पे नहीं हाथ पे उस हाथ से उसने उठाया माउस और तुम भी उस माउस पे हाथ रख दिए तो भाई तुमको भी हो जाएगा ना है ना तुम भी वही हाथ रख दिए तो तुमको भी हो जाएगा चलो देन मलेरिया मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिसऑर्डर First by Plasmodium. Plasmodium के चार सबसे सबसे खतरनाक मेरा कौन सा है? सबसे खतरनाक मेरा है? Yes. इसने पर एक ही लिखा है मैंने आपको सारे बता दिए प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया वाइवैक्स मोस्ट कॉमन इज वाइवैक्स ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है बेटा जी प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंट्री कैसे मारता है एक मिनट रुकिए. यहाँ पे इसने एनसीआरटी वाली फोटो नहीं ली कोई बात नहीं मैं तो नहीं बता देती हूँ ये मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी है समझो और ये मेरा एनोफलीज है दो होस्ट होते हैं ह्यूमन इज वन होस्ट एंड मच्छर फीमेल एनोफलीज इज अनादर होस्ट ह्यूमन की बॉडी में मच्छर आया ये मच्छर आया मच्छर ने अपना इन्फेक्टिव स्टेज छोड़ा जिसका नाम है स्पोरोजॉइड ये स्पोरोजॉइट सबसे पहले कहां पर जाएगा लिवर लिवर से कहां पर जाएगा आरबीसी

तो वो हेमोजोइन की वजह वजह से होता है तो हर तीन दिन बाद आरबीसी टूट रहे हैं हर तीन दिन बाद फीवर आ रहा है या हर चार दिन बाद आरबीसी टूट रहे हैं हर चार दिन बाद फीवर आ रहा है अल्टीमेटली बेटा जी आरबीसी से आरबीसी में बन जाएंगे हमारे मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स गैमिटोसाइट्स ठीक है गैमीट नहीं बनेंगे गैमिटोसाइट फिर एक मच्छर आया मच्छर के अंदर बेटा जी ये गैमिटोसाइट घुसे और अगर यही मच्छर इधर काट गया आ, यही मच्छर बेटा जी अगर ये एनोफलिस है तो इसके पास भाई गैमिटोसाइट्स तो हैं क्या है गैमिटोसाइट्स हैं गैमिटोसाइट से क्या बनेंगे ग्यामिट बनेंगे ग्यामिट बेटा क्या कर लेंगे फर्टिलाइजेशन कर लेंगे यानी कि सेक्सुअल साइकिल सेक्सुअल साइकिल कहां पर होता है मच्छर के अंदर एनोफिलीज के अंदर ह्यूमन के अंदर नहीं होता है ये सारा काम कहां पर हो रहा है इसकी गट के अंदर हो रहा है स्टमक के अंदर स्टमक के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा जी यहाँ पर बन जाएंगे स्पोरोजॉइड बनेगा चलो पहले जायगॉट बना दो Zygote से बनेंगे स्पोरोजॉइट ये जो स्पोरोजॉइट है मच्छर के बेटा सलाइवरी ग्लैंड में जाकर बैठ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में जाकर बैठ जाएंगे फिर ये मच्छर अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन को काटेगा तो चले जाएंगे यस yes? तो अगर कोई तुमसे पूछे विच इज द इनफेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन इन मलेरिया ह्यूमन को इन्फेक्शन किससे हुआ तुम बोलोगे ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ स्पोरोजॉइट से विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मच्छर मच्छर को भी तो इन्फेक्शन हो रहा है

बेटा यहाँ पे मक्खी बड़ी गंदी रोल प्ले करती है ध्यान थे ना। लार्ज इंटेस्टाइन पेट में दर्द होगा क्रैम्स हो जाएंगे आपके स्टूल में म्यूकस ब्लड निकलेगा एक जो लाइन है ना हाउस फ्लाईज द मकैनिकल मक्खी मक्खी इज द मकैनिकल कैरियर समझ रहे हो ये जो मेरी मक्खी है ना तुमने खाना बनाया नहीं पहले ये तुम थे तुमने आज खाना खाया ये तुम्हारी आंखें हैं ठीक है ये तुम्हारा नाक है आज खाना खाया तो कल सुबह सुबह तो निकालोगे तो कल सुबह सुबह तुमने ऐसे खाना निकाल दिया वेस्ट डिस्पोजल हुआ नहीं वेस्ट डिस्पोजल हुआ नहीं तो मेरी मक्खी आई कौन आई मक्खी आई मक्खी मज़े से इस वेस्ट पे बैठ गई फिर बेटा एक और बंदा था उसके घर में खिड़की थी उसके घर में ऐसे खिड़की थी रुको घर बनाने दो बढ़िया खिड़की बनाएंगे उसके घर में ऐसे खिड़की थी उसने बेटा बढ़िया मैगी बनाई बहुत मन था उसका मैगी खाने का क्या बनाई मैगी मैगी मुझे इस रंग से बनानी पड़ेगी रुको दो मिनट बढ़िया बेटा बोल के अंदर इसने बनाई मैगी ठीक है कह रहा मैं बस अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ मैगी बन चुकी है लेकिन तब तक बेटा जी ये जो मक्खी थी ना दिस मक्खी एक मिनट इसको ट्रैवल ओहो एक मिनट अकेली मक्खी ओहो देख रहे हो बेटा मक्खी इज मूविंग ये मक्खी वहां से फीकल मैटर से होती हुई खिड़की के द्वारा पहुंच चुकी है देख रहे हो खिड़की के द्वारा पहुंच चुकी है मेरी मैगी के ऊपर मैगी के ऊपर बैठकर इसने थोड़ा बहुत खाया मजा आया फिर मक्खी बेटा जी वहां से जब उसका ओनर आ गया तो मक्खी उड़ के चली गई अपना ये रही मक्खी ऊपर चली गई ओके जी अब बेटा जी ये जो बंदा खाएगा इसको इसने अपना मजे से मैगी खाया और इसको क्या हो गया है दिस इज़ हाउ मक्खी द हाउस फ्लाई इज मैकेनिकल कैरियर इसी वजह से बोला जाता है अपने खाने को ढक के रखें खाने को ढक के रखें ढकोगे नहीं तो मक्खी आएगी तुम्हें नहीं पता मक्खी किसके ऊपर बैठी थी पहले ठीक है मक्खी एक किसी के ऊपर भी बैठी हो सकती है पहले तो फीसिस से उठाकर ये फीसिस हैं फीसिस से उठाकर प्रोटोजोआ को उठाकर हमारे फूड तक लेने आने लेकर आने वाली कौन है मक्खी मैकेनिकल कैरियर बोला है, होस्ट नहीं बोला इसको होस्ट इसीलिए नहीं बोला बिकॉज इसकी लाइफ साइकिल मतलब इसकी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं मार रहा है एंटेमीबास्टोलिटिका ठीक है जी एनोफ्लीज में बॉडी के अंदर जा रहा था चलिए है, है ठीक जी? Uh, कौन सा हेलमिंथ निमैट हेलमिंथ माने राउंड वर्म निमैट हेलमिंथ कॉज करता है जिसको हम एस हेलमिंथ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एसके हेलमिंथ भी बोलते हैं कल के लिए सबने दी ना कल बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है साइंटिस्ट एंड सारे एसके हेलमिंथ भी बोलते हैं

और पुशरेरिया मलाई जिसको फिलेरियल वर्म बोलते हैं इस बीमारी का नाम भी क्या है, क्या नाम है? Yes, मेरे किसको इम्पैक्ट आ रहा है लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल लोअर लिम्स की लोअर लिम्स की बेटा ये बीमारी भी मच्छर से होती है इसका भी वेक्टर पता है कौन है वेक्टर इज फीमेल क्यूलेक्स जैसे मलेरिया का वेक्टर था फीमेल, फीमेल एन इसका वेक्टर है फीमेल लेग्स ठीक है जी लिम्फेटिक वेसल को इम्पेक्ट करती है तो एक जो पाओ है उसके अंदर इडीमा हो जाता है देख रहे हो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल में सूजन आ गई वहां से सारा फ्लूड बाहर आ गया तो हाथी की तरह पाव हो जा रहा है इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन लोग हाथी और द एलिफेंटियासिस ठीक है जी लिम्स भी अफेक्टेड होते हैं जोनाइटल रीजन भी अफेक्टेड हो जाता है ठीक है जी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है सालों साल चलती है यस मेरे बच्चों अगला आ जाता है दात खात खुजली दैट इज रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है ठीक है जी तीन पहला क्वेश्चन आएगा ये भी पीवाई क्यों भी है मेरे बच्चों कि कौन से जीनस बेटा जी फंगस के रिंग वॉर्म कॉस करते हैं माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपीडर्मोफाइटोन प्लीज याद रखें इसमें बेटा जी दात खुजली आपके स्किन में भी हो सकती है नेल्स में भी हो सकती है स्कैल्प में भी हो सकती है पैरों की उंगलियों के बीच में भी हो सकती है जनरली ये चीज वहां होती है फंगल इन्फेक्शन वहां होती है जहां पसीना बहुत आता है यानी कि गीली जगह और गर्म जगह दिस दिस लिखा है Uh, 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 uh. यहाँ पर लिख लो बेटा जो ह्यूमिड एरिया है ह्यूमिड प्लस स्वेटी एरिया है गर्म है वहां पर होती है तो गर्दन में होता है पसीना आता है बहुत पैरों के बीच में भी आता है जो लोग जूते बहुत ज़्यादा पहनते हैं खेलने जाते हैं गर्मी में कुछ लोगों को होता है तो ड्राई के लीजन होगा ठीक है जी इचिंग होगी वहां पर एंड सॉइल से जनरली होता है टावल्स क्लोथ्स यूज करने से भी हो सकता है अफेक्टेड पर्सन के ठीक है जी तो ये मेरा हो गया रेंग वॉर्म बाकी कैंसर और एड्स मैं आपको डिटेल में मैंने मैं यहाँ पर नोट कर दिया है कैंसर कॉज बाय एच एड्स एड्स कॉज बाय एच और कैंसर यहाँ लिख दिया है लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो सेशन है वो मैंने लॉन्च कर दिया बेटा uh, होली के बाद होने वाला है ये क्लास तो कैंसर और एड्स मैं डिटेल में आपको उसी में कराऊंगी क्योंकि काफी बड़ा है मैं यहाँ पर छोटा करके कुछ मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं बट वी विल कवर इन डिटेल इन आवर इन आवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो कि नेक्स्ट वीक होली के बाद हम करने वाले हैं डन है यस yes, मेरे बच्चों हो गया कुछ छूटा तो नहीं तो मुझे इज दिस डन दो मैंने और ऐड किए बेटा एक तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय पैरासाइट ट्राइपेनासोमा ठीक है जी स्लीपिंग सिकनेस एंड एक और ऐड किया है दैट इज अब वैसे है नहीं बट फिर भी दो स्लाइड और ऐड कर दिए बेटा पक्सिनिया की और आपकी एक और ऐड की थी गाउ डिजीज की यस yes, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यस yes, मेरे बच्चों बोवाइन स्पॉन्जिफॉम एन किड किड मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ किड बेटा जी हमने अभी बायोटेक में किया है वेरी गुड नाम नहीं दिया हुआ ना एक्चुअली स्कीड एनसीआर में हमें तो तुम बता दिया एडीए की डेफिशिएंसी चार साल की बच्ची जीन थेरेपी जिसपे करी गई थी उसको स्किड था है ना जी तो नाम वहां पर नहीं दिया है बट स्टिल आपने बोला तो मैंने आपको बता दिया मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ स्कीड के बारे में स्कीड इज सब स्वियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सब बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आज प्रैक्टिस क्लास के सारे लिंक्स दूंगी वहां पर और कल की क्लास में भी अटेंडेंस लगा दो आज की क्लास भी लाइक कर दो चार साल की बच्ची को हुआ था जिसको एडीए की डेफिशिएंसी थी एडिनोसिन डीएमिनेस जो कि टी सेल को मेच्योर करता है दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेस एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी डीएमिनेस ठीक है जी डी कुछ तो मैंने गड़बड़ लिखा डीएमिनेस रुको ठीक है जी ये चाहिए होता है फॉर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स तो ये खराब हो गया बच्चे के टी लिम्फोसाइट नहीं नहीं बन पा रहे नहीं पा रहे रहे हैं हैं हो जिसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज तभी इसका नाम है सिवियर इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी इस पर हमने नाइनटीन नाइनटी में नाइनटीन नाइनटी में ट्राई किया था जीन थेरेपी ठीक है जीन थेरेपी फिर हमें पता चला हमने तीन चार तरीके देखे थे पहले एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करा वो भी परमानेंट नहीं था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा वो भी परमानेंट था जीन थेरेपी करी बच्ची की वो भी परमानेंट नहीं थी क्योंकि जो सेल्स थे वो मोटर सेल्स है उनका एक लाइफ स्पैन है एक बार ही तो आपने ठीक सेल डाल दिए सही जीन वाले लेकिन वो सेल मर जाएंगे ना तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला अगर जीन थेरेपी को परमानेंट सोल्यूशन बनाना है तो आपको जीन थेरेपी कब करनी पड़ेगी जीन थेरेपी करनी पड़ेगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज यस मेरे बच्चों चलिए ये कौन बोल रहा है मैरासमस मैरासमस श्योरकर कॉन्स्टिपेशन पेट खराब होना उल्टी आना वॉमिटिंग कब्जी होना ये सब डाइजेशन में था डाइजेशन कर चुका है डेंगी चिकनगुनिया आई विल कवर इन डिटेल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बाकी जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको लिखा देती हूँ कोई बात नहीं मेरे बच्चों कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ना रुकिए। क्या क्या याद करना है डेंगी और चिकनगुनिया के बारे में डेंगी चिकनगुनिया सबसे पहली चीज ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं, ये भी वायरल है ये भी वायरल है कॉज्ड बाय डेंगी वायरस एंड दिस इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस ठीक है ये दोनों बीमारियां केस ऑफ डेंगी आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत कम हो जाता है इन केस ऑफ चिकनगुनिया आपके लिम्स में ज्वाइंट पेन होता है एक्यूट ज्वाइंट पेन एक्यूट जॉइंट पेन होता है ये दोनों बीमारियां फैलती है मच्छर से इसका एक वेक्टर है जो कि मच्छर है दैट दैट इज इज फीमेल फीमेल तो मच्छर को कंट्रोल करना बड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि मच्छर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये वायरस को फैलाएगा इसीलिए कहीं भी खड़ा पानी हो हमें नहीं रहना देना चाहिए स्टैंडिंग वाटर शुड नॉट बी अलाउड क्योंकि मच्छर उन्हीं में बनपते हैं वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है उनके लार्वे को बड़े मजे आ जाते हैं वहां पर तो आपके कूलर है घर में या कोई ऐसा पॉट है जहां पर पानी बहुत टाइम से स्टैंडिंग है आपको उसे रिप्लेस करते रहना है रेनी सीजन में इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है यस yes? बाकी मच्छरों से बनने के लिए बचने के लिए नेट लगाएं गेम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे गेम्बूसिया फिश भी आ जाती है दिया हुआ एनसीआर में नाम ये सब ह्यूमन हेल्थ में मैं दोबारा पढ़ाऊंगी डोंट वरी गेम्बूसिया फिश एंड एंडोमो ओडोमोस्किया ऐड नहीं कर रही मॉस्किटो तो रेपेलेंट लगाएं है ना ये सब चीजें ही अपनी हैं तो विद दिस वी आर डन विद विद दिस वी आर डन विद All the disorders of biology. Yes, मेरे आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिए कॉमेंट जरूर सब बच्चे करके जाएंगे कि हमें कैसा लगा और कल की क्लास तो कोई मिस आउट ही नहीं कर सकता और कॉमेंट भी मिस आउट नहीं करेगा क्योंकि कल होने वाले हैं सारे साइंटिस्ट सारे डेट्स क्लास का लिंक पेंड है

न्यू क्रैश कोर्स विच इज ऑल स्टार प्रो क्रैश कोर्स जिसमें आपके पास आने वाली सारी क्लासेस लाइव होंगी प्लस पिछले वाला सारा क्लासेस पच्चीस मार्च से शुरू हो रहा है, है, आप इसमें, आ सकते है. इसमें आपको लाइव क्लासेज लाइव टेस्ट मिलेंगे test साथ में एंड बेटा जी आपको अमेजिंग टीम का सपोर्ट मिल रहा है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं ठीक है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं एंड आपके प्रॉपर टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस अगर आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं कोई बच्चा अगर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मेरा नया बैच आ रहा है जिसका नाम है अर्ली प्रयास बैच ये वन ईयर बैच है जिसमें मैं आपको इलेवेंथ की बायो भी पढ़ाऊंगी ट्वेल्थ की बायो भी पढ़ाऊंगी दोनों पढ़ाऊंगी सेम इलेवंथ की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री इलेवंथ का फिजिक्स ट्वेल्थ का फिजिक्स सब पूरा कराया जाएगा सेवेंटी के सेवेंटी चैप्टर्स सारे चैप्टर्स वाया लाइव क्लासेस लाइव क्लास हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है हर कुछ दिनों बाद आपके टेस्ट होंगे यहाँ पर यही चीज चाहिए होती है और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है वो आपको मिल जाएगी कोड लगाने के बाद सीप ठीक है जी कोड लगाएंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा इस पे वो आपको मिल जाएगा सेम वे अगर कोई बच्चा 2026 का एस्पिरेंट है वो बेटा जी टू ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकता है कोर्स का नाम है आरम बैच आरम बैच बेटा दो साल का बैच है ये बैच भी प्लस और आइकॉनिक दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है बेस्ट आपके लिए बेटा आइकॉनिक रहेगा क्योंकि उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं इसमें आपको टू ईयर की ड्यूरेशन में हम लोग 11th कराएंगे प्लस 12th कराएंगे पूरी बायो मैं कराने वाली हूँ ट्वेल्थ उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा होगी प्लस और आइकॉनिक इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बैच नहीं मिलता है आप मान लीजिए दो साल के लिए आरम बैच में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप ये भी देख सकते हैं प्रयास बैच में मेरा देख सकते हैं प्लस का मतलब है यू कैन वॉच एनी टीचर एनी बैच एनी टाइम किसी बैच को ज्वाइन करो एक सब्जेक्ट इस बैच से पढ़ना है दूसरा दूसरे से पढ़ना है आपकी इच्छा है ये फैसिलिटी आपको कोई और ऑनलाइन और ऑफलाइन तो दे ही नहीं सकता कोई और ऑनलाइन भी नहीं देता आपको सिर्फ जनरली एक बैच मिलता है लेकिन मैं यहां पर कह रही हूं आपको सब्सक्रिप्शन के बाद पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है स्टडी फ्रॉम एनी बैच स्टडी फ्रॉम एनी टीचर ऑफ योर चॉइस गिव एनी टेस्ट ऑफ योर चॉइस बेस्ट चीज आपको मिलती है अन पर ठीक है जी बाकी बेटा जी अपने मिलते हैं कल की क्लास में आज की क्लास में कॉमेंट एक चीज करना है पहला आज की क्लास में बेटा जी आप कॉमेंट करके जाएंगे कैसा लगा दूसरा कल की जो ये जो क्लास है इसमें लाइक कर दीजिए मैंने पिन कर दिया है अटेंडेंस लगा दीजिए ठीक है जी तो मैंने मैंने कब कहा कि मैंने, आ, करा दिया जी ये कौन है ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर रहता है मैंने बोल दिया कि मैंने सिलेबस करा दिया सबसे पहले तो तुम मेरे लिंक्री जाके देखो जल्दी मचती है तो लिंक्री से किया करो दूसरा अगर आंखें खोल के इस चैनल पर जाओगे तो सेशन लॉन्च है

बाय बाय गाइस टेक केयर दोनों काम कर देना ठीक है दोनों काम कर देना